तुलसी माता, मेरे घर में सुख शांति बनी रहे, मेरा पति हमेशा मेरी बात माने। अरे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हो जाएगा, बड़े हो जाए। अरे अरे तुम लोग तो मुझे करेक्टर आर्टिस्ट की तरह लेकर आए थे, लेकिन एक विलन की तरह पिटाई क्यों कर रहे हो? ये कैसा इंट्रोडक्शन है? रुको, जिसे फांसी होने वाली होती है उससे भी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, लेकिन तुम लोग तो बिना कुछ पूछे पीट रहे हो। क्यों पीट रहे हो, कुछ तो बताओ। मैं बताता हूँ, ये तो शिवा भाई है, इसे इधर लेकर आओ। मार क्यों रहे, बताएंगे भाई। भाई भाई टीवी चलाओ। ये मजाक नहीं है। वेलकम, स्वागतम, सुस्वागतम। एक हाथ से मारा तो थप्पड़, दो से मारी तो ताली होती है। तो सभी दोनों हाथों का इस्तेमाल करेंगे। हमारे सुपर डुपर प्रोडक्ट पावर स्ट्रॉन्ग का आप लोगों ने जरूर इस्तेमाल किया होगा। तो आप लोगों ने ट्राई किया है? खूबसूरत लड़कियों के बीच नादान बच्चे की तरह बैठे हो, इसे पता चलता है कि तुमने पावर स्ट्रॉन्ग का इस्तेमाल नहीं किया है। उससे क्या फायदा होगा सर? फायदा वात्सायन या व्याग्रा का क्या फायदा होता है, तुमने कभी सोचा है? तुम्हारी बातों का और आप सभी के सवालों का जवाब देने के लिए आए हैं हमारे बीच संजू और गीता। तो बोलिए मिसेस गीता, पावर स्ट्रॉन्ग दवा से आपकी जिंदगी में क्या क्या बदलाव आए? आपकी पावर स्ट्रॉन्ग दवा ने मेरी लाइफ को ही चेंज कर दिया। ओ, क्या बात है। बताइए बताइए, आगे बताइए। बात यह है कि पावर स्ट्रॉन्ग दवा लेने से पहले मेरे पति आपको नहीं पता कैसे थे। कैसे थे? शर्मिले थे क्या? मैं उनके साथ रोमांस करने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन उन पर कोई असर ही नहीं होता था। मेरी सारी कोशिशें फेल हो गई। मेरी पर्सनल लाइफ अमावस्या की रात के जैसे अंधेरे में डूबती गई। निराशा और अंधेरा छा गया था। तभी भगवान मेरे दरवाजे के नीचे से मेरी जिंदगी के अंधेरे को मिटाने के लिए स्पीड पोस्ट के रूप से आ गए। उसी दिन से मैंने उनको बिना बताए पावर स्ट्रॉन्ग गोली को दूध में मिक्स करके उन्हें देना शुरू कर दिया। जानू, दूध पी लो। या वाह, तो आप लोगों ने सुना कि इन्होंने क्या कहा। तो आपका क्या इरादा है? तो आप सब अभी से ये पावर स्ट्रॉन्ग लेना चाहेंगे? 10 बॉटल दे दीजिए, एक साथ खा लूंगा सर। एक साथ खा लेंगे तो आपकी हो जाएगी बैकुंठ की यात्रा। रोज अगर एक खाएंगे तो होगी इंद्रलोक की यात्रा। तो लेते रहिए पावर स्ट्रॉन्ग, करते रहिए यात्रा। क्या चेक? पावर स्ट्रॉन्ग। कैसे लगी मेरी परफॉर्मेंस? तुमने क्या समझते थे अपने आप को? मेरे बेटे को तंग करके शो में ले जाने के अलावा तूने इसे जबरदस्ती पावर स्ट्रॉन्ग दवा भी खिलाई और उसने जबरदस्ती वो दवा मुझे खिलाई। तुम्हारी उस दवा के चक्कर में मेरे घर की पावर फेल हो गई है। मेरी तो उम्र 60 साल हो चुकी है, मैंने सब कुछ देख लिया है, लेकिन मेरा ये बेटा, अब इसका क्या करें? क्यों कार्तिक, मेरे साथ ऐसा क्यों किया तूने? भाई उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ भाई? एक हफ्ते का समय दे रहा हूँ मैं तुम्हें, तब तक इसकी शादी करवाने की जिम्मेदारी तुम्हारी, नहीं तो हमेशा जो तुम्हारे पीछे घूमती रहती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड, क्या नाम है उसका? सौम्या भाई। उसी के साथ मैं इसकी शादी करवा दूंगा। मैं तैयार हूँ। समझ गया ना? बोरवेल रिपेयर करने के बजाय टैंक में पानी भरने की सोच रहा है ये तो। तू सोच रहा है कि मन में बात कर रहा है, लेकिन हम सब तुम्हारी बात सुन रहे हैं। मैं तो सोच रहा था आपने सुन के से लिया, सॉरी भाई। जवाब। क्या है, खूबसूरत लड़की है ये सोचकर मिसबिहेव करेगा क्या? तुम बहुत खूबसूरत हो। ए, चल निकल यहाँ से। घर में अकेली लड़की है ये सोचकर गुंडागर्दी करेगा? यू स्टूपिड फूल, जॉन ले लूंगी तेरी। तू मुझे मारेगी? एक दूंगा खींच के। ए कार्तिक, देखा ना, मेरा बॉयफ्रेंड बिल्कुल करेक्ट टाइम पर आ गया। सुनो कार्तिक, कितनी बार कहा है मैंने तुम्हें, जब रोड पर गुंडे मवालियों से फाइट करते हो तो अपने कपड़ों का ध्यान रखा करो। देखो ये ना पहले से ही बहुत गुस्से में है, इसकी शर्ट भी फटी हुई है, कराटे में ब्लैक बेल्ट है पता है। मजाक कर रही हूँ इसे डराने के लिए। hey, मैं देख रहा हूँ तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। एक कार्तिक, ये आदमी ना कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहा है। Yeah.
गया बॉस, मैं तो सिर्फ डरा रहा था, तुमने मुझे इतना पीट दिया। अरे देख मेरे सामने, मैं तुझे 2 दिन का समय देता हूँ, ब्याज के साथ मेरे पैसे लौटा दे तो ठीक है। अरे बाप रे। ओहो कार्तिक, क्या हुआ तुम्हें, इस तरह से क्यों रो रहे हो? हाँ तुम्हारे कार्तिक को जिसे देखो वही कुत्ते की तरह मार रहा है, तो अब ये कार्तिक रोएगा नहीं तो क्या हंसेगा? और किस किस ने मारा तुम्हें बताओ? उस माफिया डॉन शिवा को जानती हो ना, उसके आदमियों ने मुझे ले जाकर कुत्ते की तरह मारा है और बोला है अगर उसके बेटे की 1 हफ्ते के अंदर शादी नहीं करवाई तो तुमसे करवा देगा वो उसकी शादी। क्या मतलब? नहीं ऐसा मौका बिल्कुल नहीं आने वाला है, और अगर आ गया तो तुम मुझसे शादी करोगी क्या? What? Me? तुम, अरे बाप रे। झूठे मक्कार कहीं के, आज से हम दोनों का रिश्ता खत्म। कितने दिनों के लिए? अरे बाप रे। हमेशा हमेशा के लिए। अरे बाप रे, शिवा के आदमी आ गए। सर, सर नहीं आए। यस मैडम, पार्सल आया है। पार्सल है किसका? कार्तिक जी का। इस बेवकूफ को किसने पार्सल भेजा होगा? थैंक्स। अब पार्सल क्या है इसमें? स्वीट डब्बा। इसमें से तो बदबू आ रही है, तुम्हारे किसी पावर स्ट्रॉन्ग फैन ने भेजा होगा। ये सब क्या है? सूखा हुआ फूल, पता नहीं। जी, एक लेटर भी है इसमें। हाँ हाँ। प्यारे प्यारे कार्तिक को दूसरे कार्तिक की ये प्यार व्यार कार्तिक वार्तिक कुछ नहीं है, तुम्हें पढ़ने नहीं आता है क्या? मैं पढ़ता हूँ। मेरे प्यारे कार्तिक को कार्तिक की तरफ से ढेर सारा प्यार। अरे भाई ये क्या कंफ्यूजन है, क्योंकि जो मेरा नाम है वही नाम तुम्हारी माँ ने तुम्हारा रखा है और मैं तुम्हारा ओरिजिनल बाप हूँ। मेरा ओरिजिनल बाप? तो फिर आप मेरे ओरिजिनल बाप नहीं हो, ये कैसे हो सकता है? कंफ्यूजन है। आज से 30 साल पहले मैं और तुम्हारी माँ जहाँ नहीं मिलना चाहिए वहाँ मिले, जिसका परिणाम तुम हो। भाई आ गई, देखो ये मुझे दे। ए सुनो, ये मिठाई मेरे लिए है क्या? तेरे लिए नहीं है। ए जानू, मैं तेरे लिए हलवा लाया हूँ। ये है तुम्हारी माँ का बचा हुआ हलवा। हमारे संबंध के सबूत के लिए ये हलवा मैंने तुम्हारे लिए भेजा है। ये हलवा और ये फूल मेरे और तुम्हारी माँ के मिलने की वजह है। उसके बाद मेरे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिसकी वजह से मुझे तुम्हारी माँ से दूर होना पड़ा। शायद उसी बात का ये मुझे श्राप था कि मेरी 1 नहीं 2-2 शादी हो गई, लेकिन बच्चा 1 भी नहीं। हाँ, ची, इस लेटर को लिखते वक्त मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है बेटा। जब यह लेटर तुम्हारे हाथ में आएगा हो सकता है उस वक्त मेरे प्राण निकल चुके होंगे। इससे पहले मैं अपना एक घर तुम्हारे नाम से करके जा रहा हूँ बेटा। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो तुम नीचे दिए हुए पते पर आकर मिल सकते हो। Road No. 6 जंगल का रास्ता, सिद्धापुर गांव, लैंडमार्क गांव के बाहर वाला पब्लिक टॉयलेट। ये क्या कर रहे हो? मेरे बाप ने मेरे नाम से जो प्रॉपर्टी लिखी है उसे ही देखने जा रहा हूँ मैं। हम दोनों मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करने वाले हैं और वहाँ तुम अकेले जाओगे। जब पैसा नहीं था तब लिविंग टुगेदर, पैसा आता है सेपरेट लिविंग। तुम्ही ने तो कनेक्शन कट करके मेरे गाल पे फट करके मारा था, क्यों? क्या कार्तिक, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी तो फिर तुम्हें कौन मारेगा? हाँ, इतनी छोटी बात के लिए अपसेट हो जाओगे? झगड़े के बिना कोई लव स्टोरी बनती है क्या? किस लेती हूँ तो गुस्सा नहीं आता, मारती हूँ तो गुस्सा आता है। हाँ, क्यों क्यों क्यों? मेरे बाप का और इसका क्या संबंध हो सकता है? हम लोग आ रहे हैं ये सोचकर कहीं ताला लगाकर भाग तो नहीं गया? ये बताओ मुझे, अपने ही नाम की जायदाद लेने के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की क्या जरूरत है? एक्सक्यूज मी, कौन है आप लोग? आप शरद हैं? हाँ मैं ही हूँ। सर मैं कार्तिक, सन ऑफ कार्तिक। आइए सर, आइए मैडम। मेरी जायदाद, मेरे बंगले का डॉक्यूमेंट्स आपके पास ही है ना? वो सब मेरे पास ही है। हाँ। कोई अच्छा दिन देख के आपके नाम से रजिस्टर करवा देंगे। अच्छा। ये अंदर से साउंड कैसा आ रहा है? घबराने की जरूरत नहीं है, दरअसल अंदर मेरी बहन नहा रही है। तो फिर ताला लगा कर कहाँ गए थे? एक इम्पोर्टेंट काम से बाहर जाना था इसलिए लॉक लगा के गया था। शरद जी, मुझे एक डाउट है, मैंने आपको कहीं देखा है। सही कह रहे हो कार्तिक, मैंने भी नहीं कहीं देखा है। है ना? कहीं देखा है लेकिन याद नहीं आ रहा है। मेरा हाथ छोड़िए सर। घर के साथ फ्री? अरे मेरा हाथ छोड़िए सर। सॉरी सॉरी
बाय। चलिए अब चलते हैं, बाहर जाना है। चलो ए, मैंने तो स्वर्ग समझा था, ये तो शमशान की तरह है। ये भूत बंगला ही मेरा नाम किया है क्या? नहीं सर, बहुत सालों से इसे कोई यूज नहीं करता था, इसलिए कम दाम पे आपके पिताजी ने सरकार से इसे खरीद लिया। वो इसे रेनोवेट करके यहाँ एक बहुत सुंदर होटल खोलना चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती से वो यहाँ कभी नहीं आ पाए। सर, उनके सपनों को आपको पूरा करना होगा, आपके सपोर्ट के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। प्लीज सर। सोच कर बताता हूँ मैं। उसे होटल में कन्वर्ट करने के लिए लाखों रुपए चाहिए, कहाँ से लेकर आऊंगा? एक कार्तिक, तुम उस लड़की को ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहे थे? मैं तो तुम्हारे सिवा कभी किसी आदमी की तरफ देखती तक नहीं हूं। मैं भी आज के बाद से कभी किसी आदमी की तरफ नहीं देखूंगा। अरे चलो ना, मर्दों की वीकनेस होती है, एडजस्ट करना चाहिए। चलो चलो चलो। ये दरवाजा कौन खोल सकता है? ये भी खुला हुआ है, चाबी तो हमारे पास है। फिर खाना अच्छा बनाना बेटा, ज्यादा तीखा तो नहीं है ना? अरे नहीं कौन है तुम लोग, मेरे घर में इस तरह से कुत्ते की तरह खाना खा रहे हो? तेरे श्राद्ध का खाना कैसे खाना है उसी के लिए हलचल कर रहे हैं, चल। क्यों रे, दो दिनों से तेरा कोई अता पता नहीं, कैसे भागना इसका प्लान बना रहा है? शिवा भाई, आपसे भागकर हम पाताल में तो छुप नहीं सकते, शहर में कहाँ से छुपेंगे? आपके बेटे के लिए अच्छी लड़की मिल जाए इसके लिए अच्छे अच्छे दलालों को ढूंढ रहा हूँ शिवा भाई। चलो, सच बोल रहा हूँ शिवा भाई। तुम्हें जो 7 दिन दिए थे उसमें से 2 दिन पूरे हो चुके हैं, अब बाकी जो 5 दिन बचे उसमें मेरी बहू मेरे घर नहीं आई, तो यहाँ जो खड़ी है ना तेरे प्यार की चिट्ठी, उसे बहू बनाकर बनवाऊंगा लिट्टी। पापा, ये तो मक्खन की जैसे लग रही है, ये अगर मिल गई तो ब्रेड में ही नहीं बदन में लगा लूंगा। हे कार्तिक, व्हाट द हेल इज दिस? और ये दोनों जोकर आखिर हैं कौन? सेंड देम आउट राइट नाउ। देखो यार, कैसे अंग्रेजी में बात कर रही है, किसी को समझ में भी नहीं आ रहा। क्या जबरदस्त ड्रेस है इसकी, आंखें हैं इसकी सागर जैसी। हमारे लिए तुम्हें भेजा ऊपर वाले ने, ताकि तुम आगे बढ़ाते रहो वंश को हमारे। शिवा भाई, ये बना देगी आपकी फैमिली को कड़ी। राइमिंग राम हो गई क्या? ए, तुम्हारे लिए सही जोड़ी मेरा बेटा है, सब आ जाओ। अरे कौन थे ये जंगली लोग कार्तिक? लैंड माफिया डॉन शिवा भाई है ये, मैंने उस दिन बताया था ना, इसी ने पिटाई की थी। जल्दी से जल्दी तुम्हारे पिताजी के पुराने बंगले को रेनोवेट करके हम दोनों वहीं पर सेटल हो जाएंगे। आइडिया तुम्हारा बुरा नहीं है, लेकिन उस शमशान को होटल कैसे बनाएंगे? निकिता का ध्यान पूरी तरह समाज सेवा की तरफ। ओह निकी, तुम हो मेरे लिए लकी, मिल गई मुझे। क्या बोल रहे हो तुम? हमें पैसा देने वाली मिल गई। हाँ, अज्जू के साथ, सुदीप के साथ, रविचंद्र के साथ, अरे दर्शन के साथ, चकेश के साथ भी। गुरु, इसने तो सब हीरो के साथ काम किया है। वहाँ रहने वाले सभी हीरो फैमिली वाले हैं, अच्छे लोग हैं सारे के सारे। वो बात नहीं है गुरु, सुपरस्टार्स के साथ इसने तो लीड एक्टर का काम किया है, मेरे साथ लाइफ क्यों लीड करेगी? बटर कोई भी हो, उसे ब्रेड के बीच में ही रहना पड़ता है। वो लड़की पसंद आई तो सिलेक्ट करो, नहीं तो छोड़ो मुझे, जा रहा हूँ मैं। गुरु, गुरु। अरे रुको तो गुरु, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऐसे सुपरस्टार के साथ काम करने वाली मेरे साथ शादी करेगी तो मैं भी सुपरस्टार ही हुआ ना गुरु। हाँ, तुम जरा इसी खुशी में साइड में खड़ा रहो, मैं जा करके बात करके आता हूँ, थोड़ा पेशेंस रखना। ये कमीना लगता है मुझे दलाल बना करके ही छोड़ेगा, ये हीरोइन लोग हमेशा ऐसी गाड़ी में बैठती होंगी। बात करता हूँ। क्यों गुरु, टेबल पे खड़े होकर के मुझे हुल दे रहा है क्या? इससे पहले कि मैं तेरे ऊपर खड़ा हो जाऊं, दफा हो जा। गुरु, मैडम ने मुझे आने के लिए बोला है। मैडम ने कहा है कोई भी आए उसे अंदर आने नहीं देना। नहीं गुरु, प्रॉमिस गुरु, मैडम ने खुद फोन करके मुझे जल्दी आने के लिए बोला है। सुनाई नहीं दे रहा, मैडम ने कहा है कोई कुछ भी बोले उसे अंदर नहीं देना। रास्ता छोड़ो, मुझे मैडम से मिलना है। छोड़ो छोड़ो, अरे जाओ यहां से। गुरु छोड़ो मुझे, क्या कर रहे? अरे समझ क्यों नहीं रहा, मैं कौन हूँ पता है? कौन हूँ पता है? अभी दिखाता हूँ। अब तुझे पता चला कि मैं कौन हूँ? चाहे तू कोई भी है, मुझे क्या मतलब, चल निकल। अब आता हूँ। कुमार, ए कुमार,
मैं ही यार, नहीं पहचाना है क्या? नहीं। अरे कुमार तू तो इतना बड़ा हो गया, मुझे नहीं पहचाना क्या? चल 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 साइड में चल के बात करते हैं। तुझे पता है क्या, बचपन में हम दोनों साथ में स्विमिंग करते थे। मैंने स्विमिंग बीच में छोड़ दी और तुम कंटिन्यू करते रह गए, इसलिए तुम लंबे हो गए। अब पता चला मुझे। बहुत देर से तेरी बकबक सुन रहा हूँ, मस्का लगाना बंद कर और निकल ले यहाँ से। कुमार भाई निकिता जी से मिलना बहुत जरूरी है। नहीं मिल सकता तू। प्लीज कुमार भाई। ना नहीं मिल सकता। प्लीज कुमार भाई। कुमार भाई प्यार से तू नहीं सुन रहा, चल निकल ले यहाँ से। अच्छा मैडम, मैडम 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 yes? आपसे एक छोटी सी मदद चाहिए थी मैडम। मदद चाहिए? हाँ मैडम। पहले ये बताइए आप है कौन? मैडम मैं कार्तिक हूँ मैडम, मगर वो जरूरी नहीं है मैडम। वो लड़का दिख रहा है वहाँ आपको, उसके बारे में बात करने आया हूँ मैडम। उसके बारे में बात करने आए हो? मैडम वो आपका डाई हार्ट फैन है मैडम, बहुत बड़ा भक्त है मैडम, मगर उसे फोर्थ स्टेज का कैंसर है मैडम। ओह माय गॉड। ओह माय गॉड बोलकर मैंने भी ऐसे ही रिएक्ट किया था मैडम। उसे ना एक लड़की बहुत प्यार करती है मैडम, इसका कैंसर फोर्थ स्टेज में ही, ये जानने के बाद भी वो इसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई है मैडम। जब तक ये जिंदा है तब तक इसके साथ रहने के लिए तैयार हो गई है। रियली मैडम? हाउ स्वीट। यस मैडम, एंड शी इज स्वीट 16 मैडम। मैंने कहा था एक छोटी सी हेल्प, वो यही है मैडम। हाँ बोलिए। आप अपने हाथों से इनकी शादी करवा दीजिए। मैं करवाऊं? हाँ मैडम बिल्कुल करवाऊंगी। धन्यवाद मैडम। उसे यहाँ बुलाइए मैडम। आप उसे उसका नाम लेकर बुलाएंगे तो बहुत खुश हो जाएगा। उसका नाम क्या है? उसका नाम है गोविंदा। ओके गोविंदा यहाँ। अरे आ जाओ जाओ मैडम बुला रही है। मैडम मेरे बारे में कार्तिक ने सब कुछ बता दिया ना, तो फिर आपकी तरफ से भी ओके है ना? मेरी तरफ से ओके है, लेकिन लड़की का अच्छे से ख्याल रखोगे, मुझे प्रॉमिस करो। अरे मैडम जिस लड़की से मेरी शादी होगी ना, उस लड़की को फूलों से सजाकर देवी की तरह मैं देखभाल करूंगा मैडम। मुझे मैडम मैडम बोलने की जरूरत नहीं है, तो मुझे निकी बोल सकते हो। ऐसा? चलो दोनों फोटो निकालते हैं, मोबाइल निकालो। कम है अरे वाह क्या बढ़िया फोटो आई है, मजा आ गया। ओके अभी मेरा शूटिंग का टाइम हो गया है, शादी की डेट फिक्स हो जाए तो मुझे बुला लो। हाँ आ रही हूँ। सब कुछ फिक्स हो जाए तो मीडिया को भी बुला लो। ओके बाय बाय निकी। अब क्या सेट पे पहुंच जाएगा? गुरु वो मुझसे कितना प्यार करती है, वो ऑलरेडी मुझे मैडम ने निकी कहो ऐसा बोल रही है। गुरु मेरे पापा को तुम्हारी वैल्यू पता ही नहीं है। गुरु डेट फिक्स करने के लिए बोल रही है ना? गुरु आप इतने परेशान क्यों हो? अरे डेट की तो प्रॉब्लम है यार। डेट की? शादी करने के बाद उसे एक्टिंग करने दोगे? एक्टिंग क्या बात कर रहे हो गुरु, शूटिंग और फैमिली दोनों के साथ कैसे होगा गुरु? अगर ऐसा है तो दो साल तक इंतजार करना पड़ेगा। दो साल? गुरु दो साल में कहीं वो बदल गई तो? कुछ नहीं कर सकते, प्रोड्यूसर से उसने 40 लाख रुपए एक्टिंग करने के लिए एडवांस लिए हुए हैं। या तो एक्टिंग करेगी या तो प्रोड्यूसर को 40 लाख रुपए वापस करेगी। अगर तुम वो पैसा देने के लिए तैयार हो तब तो ठीक है, नहीं तो 2-3 साल के लिए भूल जाओ। कार्तिक 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 एक आइडिया है। हाँ? हमारे घर की अलमारी में ना करोड़ों रुपए का ढेर लगा हुआ है, उसमें से ना मैं 40 लाख रुपए कैसे भी निकाल लूंगा। हाँ, तेरे बाप को पता चलेगा ये सब मैंने किया तो तेरी शादी नहीं मेरा श्राद्ध कर देंगे वो। ए, पापा को बताए बिना तुम्हारा नाम लिए बिना 40 लाख रुपए लाने की जिम्मेदारी मेरी है। अरे ये तो 40 लाख भी ला सकता है, मुझे कुछ और भी ज्यादा बोलना चाहिए था। क्यों गुरु क्या सोच रहे हो? देखो भाई तुम ये सारा अमाउंट पक्का जमा कर दोगे? पक्का शादी करवाओगे ना? पक्का करवाऊंगा यार, चलो फिर। मेरी डार्लिंग का सॉन्ग बज रहा है। और थोड़ा? हाँ, हली जी और आपको भी चाहिए? ये लीजिए। क्या हुआ? पापा इन्हें आप ऐसे घूर घूर कर फालतू में मत देखा करो, हाँ क्योंकि ये आपकी बहू बनेगी। ये ऐसे पागलों की तरह क्यों बात कर रहा है? अरे पागलों की जैसी बातें आप कर रहे हो। आपने कार्तिक को फालतू में बहुत मारा, पता है उसने मेरी इस लड़की के साथ सेटिंग करवाई है। सेटिंग करवाई है? हाँ, ये देखो। हाँ। 40-40 लाख रुपए मैंने दिए हैं, ये मुझे फोकट में नहीं मिल रही है। 40 लाख दिए? हाँ पापा आपका ही पैसा तो मैंने दिया। मेरा 40 लाख? अरे ओ कमीने, मेरे 40 लाख तूने उसे दे दिए और अब बता रहे हो तुम? वो जहाँ कहीं भी उसे उठाकर यहाँ लेकर आओ, जाओ। यही है वो,
वो लड़की सिर्फ टाइम पास नहीं है, उन दोनों का कनेक्शन कट करके तुमने अगर उसे पटा लिया तो उसके बाद तुम करोड़पति की पत्नी, मैं करोड़पति का साला, और अगर नहीं पटा पाई तो जो बोला वो समझ गई ना। ये क्या है बॉस? खोल कर देखो, पता चल जाएगा। इतना पैसा हमारे लिए? थैंक यू बॉस। उस भूतहा बंगले को 5-स्टार होटल की तरह रेनोवेट कर दो, ऐसा कि उसे देखकर मेरे पिता भी खुश हो जाएं और मैं भी खुश हो जाऊं। ओके बॉस, ओके बाय। बॉस ऐसे देख रहे हो, इससे अच्छा मेरी बहन को ही रख लो। रख लूंगा, रखने लायक ही है। अरे ये आप क्या बोल रहे हैं भाई? वैसा कुछ नहीं बॉस, मेरी बहन बहुत अच्छी कुक है, होटल में कुकिंग के लिए आप इसे रख सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अरे क्या तैयार किया है तुमने बंगले को, मैंने जैसा सोचा था उससे भी अच्छा किया है। एक्चुअली मैंने तुम्हें पागल समझा था, मुझे माफ कर देना यार। वहाँ स्वर्ग में मेरे पिता देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे यार। अच्छा देखो, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, आज से ही पूजा शुरू कर देते हैं। यस बॉस। ये क्या यार, मैंने बोला था भगवान के नाम पे रखो, तुमने कूल कूल रिसोर्ट क्यों रख दिया? बॉस भगवान के नाम पे रखेंगे तो भक्त लोग ही आएंगे, कूल कूल नाम रखेंगे तो कपल लोग आएंगे, डबल कमाई होगी। ए अपने पेट के लिए धंधा शुरू किया है, गलत काम के लिए नहीं शुरू किया। अरे इसे तो बिजनेस का रूल ही पता अरे नहीं ये है। क्या है, फिश मंचूरी, फिश मंगोली, फिश चिप्स है? तुम्हारी बहन को चिकन का आइटम नहीं आता है क्या? चिकन फ्राइड राइस बनाना जानती है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए ना सर, आखिर वो मेरी बहन है। कस्टमर कस्टमर आइए सर, आइए आइए। वेलकम सर, वेलकम सर, आइए आइए। आपके क्या सेवा की जाए? नमस्ते। नमस्कार। I am Munia. He is Pakia. Pakia? Any doubt? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। I want some time pass. अच्छा? You go to Mandya? No यार, you know that? Hey, साब साब बोल रहा। Wait यार, if you listen this love story यार, you only give यार, this boy loving one girl यार, that girl loving this boy, both loving यार, that girl watching adult film यार. तो कर दिया ना धोखा। यस यार, दैट्स व्हाई वी वांट समथिंग। बॉस यहाँ कुछ भी नहीं, सी ओनली सोम्या। ओह दिस इज सोम्या। या टेल मी या व्हाट यार। यस सोम्या। या आई एम सोम्या। ये क्या कर रहा है? अरे इतना पीता ही क्यों, जब बर्दाश्त नहीं होता। रुक कहाँ जा रहा है, सुन तो। अरे तुझे बाहर आने की क्या जरूरत थी, मेरे ऊपर ही वोमिटिंग कर रही उसने। मैं पानी ले चलूं क्या बस? अरे अभी पूछ क्या रहा है, लेकर आना। कितनी बदबू आ रही है, लगता है पूरी देसी पी रखी थी उसने। अरे तू क्यों ऐसे सर पे खड़ी है, मेरी हेल्प करना। हाँ जल्दी पानी डाल, बहुत बदबू आ रही है यार। बॉस लगता है उसने हाफ बॉइल्ड ऑमलेट खाया था। तुमसे किसने पूछा पानी डालना? अरे बापरे ठंड लग रही है, गर्म पानी नहीं था क्या? अरे बॉस वोमिट तो उसने गर्म गर्म ही किया था ना, इसलिए ठंडा पानी डालूंगा तो टेम्परेचर बैलेंस हो जाएगा। डाल रहा हूँ ना बॉस। आप क्या हम अंदर जा सकते हैं वोमिटिंग करने के लिए? कस्टमर आइए सर, आइए आइए आइए। आप ही हमारे फर्स्ट कस्टमर, इस रिसोर्ट की ओपनिंग के बाद आप हमारे फर्स्ट कस्टमर हैं। ये बिजली वाले भी ऐसे ही समय पे अपना करामात दिखाते हैं, छोड़िए उन्हें, आप आइए सर। सब कुछ नया नया लग रहा है। हाँ माँ जी, बहुत पैसे इकट्ठा करके 40 लाख में इस बंगले को रिनोवेट कराया मैंने, तब जाके ऐसे चमक रहा है माँ जी। और आप दोनों हमारे फर्स्ट कस्टमर हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम राम स्वामी और ये मेरी पत्नी रत्ना। सर इस रजिस्टर बुक में अपना नाम, पता, कितने दिन रहना है सब लिख दीजिए, लिख दीजिए सर। सर आपको छोटे बजट का छोटा रूम दे दूं या फिर बड़े बजट का बड़ा रूम दे दूं आपको? ऊपर में जो बड़ा खिड़की वाला रूम है वो चाहिए। एक मिनट अभी चाबी देता हूं। ये लीजिए सर, जो भी चाहिए मांग लीजिएगा। स्वीट ड्रीम सर। ओहो कितनी अच्छी घंटी बजाकर जा रहे हैं। बॉस उन्हें खाना क्या चाहिए तो हमने पूछा ही नहीं। अबे तेरी बहन को फ्राइड राइस के अलावा कुछ बनाने आता भी है, वही दे देना। आपने मेरी बहन को कितना सही समझा। सोम्या से मिलना है। सोम्या सोम्या, फेस पे पैक लगा रही हो, लगाओ लगाओ, जितना चाहो उतना लगाओ, जहाँ चाहो वहाँ लगाओ। आज मैं बहुत खुश हूँ, पूछो क्यों? पर क्यों? अपने अकाउंट में पैसा आना शुरू हो गया। अब हमारे पास रोज रोज पैसा आना शुरू हो जाएगा। सच में? आज से मेरी लाइफ पूरी तरह बदल जाएगी। लगता है तुम्हारा फर्स्ट कस्टमर बहुत जल्दबाजी में है, अपना एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहता।
मैं भी वेस्ट नहीं करूंगा। आइए बॉस, नींद ठीक से आई ना? कहाँ यार, मच्छर ने सोने नहीं दिया। ये लीजिए, नाश्ता कीजिए। अरे अरे रुकिए, मैं आपके लिए स्पेशल पूरी बनाकर लाई हूँ। हार्ट शेप वाली। ए, ये हार्ट शेप वाली पूरी बनाकर लाई हो क्या? अब अच्छा लग रहा है। अच्छा। ए, इसकी बनाई पूरी कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई। देखना कहीं पेट खराब ना हो जाए। ओवर एक्टिंग की ना तो मार डालूंगी। अबे अबे तू तो ऐसे देख रहा है जैसे मक्खन लगा के खा जाएगा। जा उन्हें नाश्ता दे, जा। ओके बस, ओके। अबे कस्टमर इंतजार कर रहा, जाना। ए, अगर ऐसी मत करोगे ना तो जान ले लूंगी तुम्हारी, समझ गए? चलती है मुझसे। सर, रूम सर्विस। क्यों बे, कमर कहीं के फुलाकर प्यार से पूरी देती है और वहाँ खड़े खड़े आह करती है। क्या चल रहा है तुम दोनों का? हाँ, क्या चल रहा है तुम दोनों का? मुझे पूरी बनानी नहीं आती क्या? मैं खिलाऊं तुम्हें पूरी बना के? तुम्हारी पूरी मैं खा चुका हूँ। कब खाई तुमने पूरी? हाँ, कब खाई तुमने मेरी बनाई हुई पूरी? क्या हुआ भाई, तू चिल्लाया क्यों? ये सब कपड़े उतार के बाथरूम में कपड़ा धो रहा था। कपड़ा सुखाने के लिए उसने लैंप शेड पे डाल दिया और सारे कपड़े लैंप शेड पे डाल के आराम से अपनी बीवी के पास जाके सो गया। उसके बाद लैंप शेड पे शॉर्ट सर्किट हुई और लैंप शेड उसके ऊपर गिर गया। तुम पहले इसका करंट ऑफ करो वरना हमें करंट लग जाएगा। अबे पागल, भगवान ने इतने बड़े शरीर के साथ बुद्धि नहीं दी थी क्या? अबे कोई गीली चड्डी इस तरह से इलेक्ट्रिक लैंप के ऊपर रख करके सुखाता है क्या भाई? अरे तुम लोग मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? जाकर के उसकी चड्डी चेक करो, सूखी कि नहीं। तुम क्या कह रहे हो? डर के मारे में पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ। मैंने बोला कि जाके इनके बैग चेक करो। अरे इसे भी यही आके मरना था। तुम उसके साथ ये क्या कर रही हो? ये बहुत टेंशन में है, इन्हें रिलैक्स करने के लिए मसाज दे रही हूँ। उसे एक मारूंगी तो वो अपने आप रिलैक्स हो जाएगा। तुम हटो वहाँ से। वो कार्तिक बोलेंगे, तुम्हें क्यों इतनी जलन हो रही है? मुझे पता है उसे क्या करना है। ये मेरा फियांसे है, चल तू हट यहाँ से। मुझ पर हाथ उठाएगी तू? हाँ, तूने कभी अपना चेहरा आईने में देखा है? अरे इनको छुड़ा यार। अरे मजा आ रहा है, देखो ना बस। अबे हंस क्या रहा है, इन्हें छुड़ाना। अरे बॉस, ऐसा नजारा देखने में तेरी तुम्हारी के बॉस, रुको ना, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ वाला गेम चल रहा है, दोनों रिंग में लड़ रहे हैं, मजे लो बॉस। अभी दो लोग मरे, इनको भी मारना चाहते हो क्या? छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो छोड़ो एक दूसरे को, छोड़ो 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 छोड़ो। तुम उसकी कमर क्यों पकड़ रहे हो? तुम्हारी भी कमर पकड़ लेता हूँ। अरे ये झगड़ा बंद करो। अरे क्या कर रही हो? अरे सुनो, अबे झगड़ा देखते रहेगा या रजिस्टर बुक लेकर आएगा? पुलिस पे कंप्लेंट करो, जाओ। अच्छा रुको, पुलिस स्टेशन का नंबर मेरे पास है, मैं फोन करता हूँ। आप क्या पागल हो गए बॉस? पुलिस आएगी तो क्या बोलेंगे आप? कि रात को दो कस्टमर्स आए थे, उन्होंने अपना अंडरवियर धोके लैंप शेड में सुखाया और सुबह उठ के देखा तो दोनों लाश बन गए। आपकी ये बात पुलिस वाले मान लेंगे क्या? कुछ दूसरा उपाय सोचे बॉस। मुझे डरा रहे हो क्या तुम? अरे नहीं बॉस, वो जब आपको अंदर डाल के टॉर्चर करेंगे तो आप खुद ही एक्सेप्ट कर लोगे कि उन दोनों का मर्डर आपने ही किया है। एक बार सोच के देखो बॉस, आप हम लोगों को छोड़ के अंदर बंद हो जाओगे और अगर आप जेल में गए तो होटल में ताला लग जाएगा। एक बार सोच लो बॉस। हाँ कार्तिक, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम अपना सारा पैसा इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं। हमारा फ्यूचर अब इस पर ही डिपेंड करता है। बॉस, तो फिर अब क्या करें हम लोग? बॉस, इन्हें देख के लगता है कि इनके आगे पीछे कोई नहीं है। बॉडी को डिस्पोज कर देंगे। बॉडी हम लोग डिस्पोज करेंगे? बाद में दिक्कत हो जाएगी तो? ना 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 ना, चांस ही नहीं है बॉस। सही है सही, एकदम बढ़िया खोद रहे हैं बॉस। अबे एक दूंगा ना तुझे भी यहीं दफना दूंगा, समझे? खड़े होके कमेंट्री कर रहा है बस। अरे यार, होटल ओपन करके पैसा कमाने आया था, लाश दफना रहा हूं तेरी वजह से। कैसे दिन आ गए हैं। हे भगवान, मेरे बॉस की हुई सारी गलतियों को माफ कर दो। जो मरा है उसकी आत्मा को शांति दो। पुलिस अगर आ गई तो बॉस के पीछे बजाएगी और बहुत सारी गलती मान लेंगे। एक दूंगा खींच के बस, आईडिया मेरा नहीं तेरा था भाई। आइडिया तो मेरा ही है बॉस, लेकिन इस जगह कॉर्नर कौन है? आप? मैं तो सिर्फ मैनेजर हूँ। पुलिस आएगी तो आपसे ही पूछेगी ना। Thank you.
हे भगवान, मुझसे जो भी गलती हुई है मुझे माफ कर दो, मुझे कोई तकलीफ मत देना भगवान। हे भगवान, ये लो प्रसाद, खा लो खा लो खा लो खा लो। बस मुझे प्रसाद, ये लो खाओ। ये क्या बॉस, ये कैसा प्रसाद? सॉरी यार, शक्कर के चक्कर में कपूर दे दिया मैंने तुम्हें, माफ कर देना यार। टेंशन की वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया है यार। बॉस टेंशन क्यों ले रहे हो? मेरे जैसा आदमी जिसने बचपन से गड्ढा करके एक पेड़ तक नहीं लगाया जमीन में, आज मैंने कैसे खोद खोद करके दो लोगों को गाड़ दिया, कैसे करम है मेरे? जब मैं हूँ तो आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत है? रिलैक्स रहिए, रिलैक्स रिलैक्स, कूल कूल रिलैक्स बॉस। थैंक यू यार, जो भी होगा मैं देख लूंगा बे। क्यों बे? वो गलती से निकल गया बस। टेंशन मत लीजिए आप, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसके निवारण के लिए तो मैं हूं ही ना। सच में? सर लगता है कस्टमर आया है, चल के देखते हैं। सर सर कौन है, अंदर आ सकता हूँ क्या? अंदर तो आ ही गए, सर पे चढ़ोगे क्या? इस घर का मालिक कौन है? यही यही। अबे मुझे फंसा रहा है तू, क्यों सर ऐसा क्यों पूछ रहे हैं आप? बहुत ही गलत काम कर रहे हैं आप। अगर हमारे लोगों को पता चल गया ना तो आप जानते नहीं कि आपका क्या हाल होगा। ऐसा क्या हो गया सर? क्या सर, आप तो ऐसी एक्टिंग कर रहे हैं कि आपको कुछ पता ही नहीं है। सच बोलिए, जो किया है वो बता दो बॉस। एक्चुअली वो क्या है पता है? मुझे पता है सर, जो भी कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो। सारा काम आप लोग करोगे तो हम लोग क्या करेंगे? इनकी बात पे ध्यान देने लायक है। चाहे फूल लगाना हो, चाहे पेड़ लगाना हो, या फिर कोई भी दूसरा काम हो, हम लोग ही करेंगे। यहाँ तक कि गड्ढा खोदना हो, गड्ढा भी हम लोग खोदेंगे। आज से नहीं, बरसों से हम ये सारा काम करते आ रहे हैं। आप लोग हमें मामूली मजदूर मत समझो। ठीक है ठीक है। ये रखिए, हम लोगों का विजिटिंग कार्ड है। ठीक है सर, हम जल्दी ही आपको बताएंगे सर। ये सब क्या है बॉस? ये काम करने वाला मजदूर टाइप आदमी आपको धमकी देके जा रहा है आपके। पहले तो डराता है, बाद में उल्टा गाली भी देता है। जान दे दूंगा तेरी मैं। काम करते हैं, जिन गड्ढों में हम लोगों ने लाश को दफनाया उसे चल करके बंद कर देते हैं, वरना बवाल हो जाएगा। तू जाके सामान ला जा। क्या हालत हो गई है मेरी इसके चक्कर में। हे तू तो ऐसे चल रहा है जैसे दही न मिली दुकान, बाहर आना जल्दी। अगर हम लोग खोदे हुए गड्ढे के ऊपर पेड़ लगा देते हैं तो किसी को शक नहीं होगा, सब बराबर हो जाएगा, फिर सारी टेंशन खत्म। पुलिस, अरे बाबा, मुझसे सच बुलवाने के लिए मेरे मुंह में पता नहीं कितने डंडे डालेगा, अब क्या करें? ये कहा गया शरद, शरद कहा गया तू? ए शरद, शरद कहा गया? शरद बॉस, बॉस मैं इधर हूँ। यहाँ क्या कर रहा है तू? पूछो मत, आ जाओ जल्दी घर, आजा साजना। हाँ मैडम, इस होटल के ओनर से मिलना था। बोलिए, मैं ही ओनर हूँ, आपको क्या चाहिए? कौन आया है? क्या चाहिए आपको? टांग अड़ाने। मैडम मैं इस एरिया का इंस्पेक्टर हूँ, मुझे होटल के ओनर से मिलना है। यस आई एम द ओनर, टेल मी। अब देखिए मैडम, पागल है, इसका दिमाग खराब है इसलिए ऐसी बातें करिए। ये यहाँ की नौकरानी है। व्हाट? मैं और नौकरानी? और नहीं तो क्या, जब उसका बदन दर्द करेगा तब तुम उसे आराम देने के लिए दबाओगी, इतना मैं करूँगी। उससे मसाज करने में तो तुम्हें बहुत मजा आता है, नौकरानी तो तुम हो। अपना बिजनेस चलाते वक्त वो थोड़ा सा स्ट्रेस फील करते हैं, उन्हें स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए थोड़ा मसाज देना पड़ता है ताकि वो रिलैक्स हो जाएं। टेंशन यहाँ पर होता है तो तुम दूसरी जगह क्यों मसाज करती हो? हाँ अच्छा देखो, अब ये अंकल यहाँ टेंशन में आए हुए हैं तो क्या तुम इन्हें भी मसाज करोगी? करो करो मसाज। तो मुझे समझ क्या रही है, मैं क्या आने जाने वाले को मसाज देती रहती हूँ? तुम क्या मुझे बैंकॉक मसाज वाली समझती हो? मैं तुम जैसी औरतों को अच्छी तरह से जानती हूँ। तुमने तो सिर्फ कुआं देखा है, मैं तो पूरा समुंदर घूम के आई हूँ, दिखाओ क्या? तू दिखा ना, दिखा दिखा दिखा। दुनिया की सारी समस्या का समाधान हो सकता है लेकिन तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा। रुको। नमस्कार सर, मैं हूँ इस होटल का मालिक। 100 क्रिमिनल्स को संभाल सकता हूँ लेकिन ऐसी 2 झगड़ालू औरतों को नहीं संभाल सकता। अच्छा सुनिए, इस जगह को रिनोवेशन करके ये होटल बनाया गया है, मैं उसे एक बार देखना चाहता हूँ। देखिए सर, अच्छे से देखिए, जितना देखना हो देखिए, देख लीजिए। कितने लोग यहाँ काम करते हैं? सर अभी तक इस होटल की बोहनी नहीं हुई है, हम 4 लोग यहाँ काम करते हैं सर। कौन कौन? एक तो मैं हूँ सर, और अभी दोनों औरतें गई हैं झगड़ करके, वो दोनों सर। चौथा कौन? ए शरद बाहर आना पे, ये है होटल का मैनेजर। नमस्कार सर। तुम वहाँ क्या कर रहे थे? मैं कांच साफ कर रहा था। तुम भी तो वहीं थे ना? मैं खिड़की साफ कर रहा था। मैंने तुम्हें कहीं देखा? सर मैंने भी पहली बार इससे यही कहा था, सौम्या भी यही कह रही थी, कहीं ना कहीं तो हमने देखा है इसे सर। पक्का मैंने तुम्हें कहीं देखा? ठीक है,
इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अच्छा ये बताओ, इस होटल में इस वक्त कितने कस्टमर्स हैं? अभी तक तो मक्खी मार रहे हैं सर, कोई भी नहीं आया। क्या सर? कहा कोई भी नहीं, नहीं आया? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मगर मैंने तो कुछ और ही सुना है। सच में कोई भी नहीं आया अभी तक सर। क्या तुम सच कह रहे हो? सच में सर, कसम से कोई नहीं आया। डर गए क्या? मैं तो कॉमेडी कर रहा था। कॉमेडी इंस्पेक्टर, अरे क्या कर रहे हो? जॉनी लीवर हो गए सर। अरे ऐसे हंस क्यों रहे हो? आपने मजाक किया था इसलिए हंस रहा था। मेरा मतलब था तुम्हारे जैसे दो लोग अगर यहाँ होंगे तो कोई कस्टमर नहीं आएगा। अच्छा ऐसा? हाँ सर सही है, सर सही है। मैं तुम्हारा प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, इसलिए आज से तुम्हारे होटल में मैं भेजूंगा कस्टमर्स। अरे सर थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। मगर मुझे अच्छे से देखना होगा। अच्छे से देखना होगा मतलब ये देखना होगा, समझ क्यों नहीं रहे? तो अब चलो देख लो। देख लिया सर, देख लिया, देख लिया, देख लिया। जल्दी करो बॉस, इनकी उंगली देखो बॉस। सर ये लीजिए सर, इसे रख लीजिए सर। ऐसे खुले हम नहीं देते। अच्छा नहीं चाहिए सर, दीजिए सर, रख लेता हूं सर। अरे इसमें रख। अच्छा सर इसमें। अंदर क्या ढूंढ रहा है? हाथ निकाल। फंस गया सर। सर सर अरे निकाल हाथ, बाप रे। चल हाथ दिखा। नहीं है सर। तुझे कहीं ना कहीं तो देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा है कि कहां देखा है। और जब तक याद नहीं आएगा तब तक मुझे नींद नहीं आएगी। और अगर तूने कुछ गलत किया होगा तो ये देख मैं कौन। शिवप्पा मनसुख भाई। आइए सर, आइए। इतने कम बजट में आपको इतना बड़ा होटल आसपास कहीं नहीं मिलेगा सर। इस रिसॉर्ट का मैं ऑनर हूँ और ये मैनेजर है सर। तुम अगर इसे दिखाकर ये कहोगे कि ये टॉयलेट क्लीनर है तो भी इसके रिएक्शन से यही होंगे। तुम कहो तो साबित कर दूं। एनिमा, इस होटल के अंदर दो खून हुए हैं, जोड़ी खून। ये लोग कल तुम्हें भी मार देंगे। देख लिया ना? सबका एक ही रिएक्शन देती है ये। वो सब छोड़िए, आप आपको कितने रूम चाहिए? हम दोनों की नई नई शादी हुई है। हाँ एक अच्छा सा बड़ा सा हॉट रूम दे दो। अच्छा पीछे सर। जो दो जोकर खड़े हैं ना उन्हें कोई भी सड़ा रूम दे दो, मिल जाएगा सर। आइए सर, आइए सर। सर सारी डिटेल्स लिख दीजिए सर। ओके। हे बेको, अब रहने दे उसे, छोड़ दे। थैंक यू सर, चाबी दे दो। ये लीजिए सर। ये लीजिए। मुझे लगता है कि शगुन ठीक नहीं है। वो सर जरा पीने के लिए पानी दो। पानी क्यों सर? हमारे होटल का फेमस है चिकन फ्राइड राइस सर। ओके। जो भी है जल्दी दे दो। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स सर। सर प्लीज, आप दो दो खाना है। बहुत बढ़िया सर्विस है। ये लोग तो ऐसे खा रहे हैं जैसे पता नहीं कितने सालों के भूखे हो यार। खाना बहुत अच्छा था ना? आइए सर साइन करते हैं। देखो मैंने पहले ही कहा था कि शगुन सही नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये जगह बिल्कुल सही नहीं है। नहीं सर, पंडित लोगों ने वास्तु के हिसाब से सही जगह बोली है सर। नहीं नहीं सर, पागलों की जैसी बातें क्यों कर रहे हैं सर? एक काली बिल्ली कहीं से आके आपकी जगह पे कूद गई तो आप उसको अशुभ मान करके ऐसी बातें कर रहे हैं? उस वक्त क्या होगा जब ऊपर घूमने वाला फैन आपके सर के ऊपर गिर जाएगा और आप मर जाएंगे? एक मिनट मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ, कुछ नहीं होगा इनको, मैं देखता हूँ। ये तो मर गया। क्या गुंगली? तेरी वजह से ये सब हुआ है। तू ही मेरे पापा को यहाँ पर लेकर आई थी, तेरी वजह से मेरे पापा मर गए। नहीं, अब मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं, सबको मार दूंगा। तू ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? अगर ऐसे चिल्लाएगा तो बीपी बढ़ जाएगी, हार्ट अटैक आ जाएगा और तू मर जाएगा। अबे कैसी जुबान है तेरी, तूने बोला और ये निकल लिया। हाथी का बच्चा भी मर गया। अरे बाप रे, ये भी मर गया। हे भगवान, अरे बाप रे, ये तो सच में मर गया। अरे सच में मर गया ये, अब क्या करें? सब तेरी वजह से हुआ। सुनो, अरे रुको, चिंगली बंगली रुको, अरे रुको, भागो मत, रुक जाओ, अरे रुक जाओ, कहाँ भाग रहे? अरे मेरी बात सुनो, चिंगी पिंगी मेरी बात सुनो, चिंगली बंगली
मेरी बात सुनो। गेट अप गेट अप गेट अप। अरे रुको, रुक जाओ, रुको, अरे रुक जाओ, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, क्यों भाग रहे हो, रुको, रुक जाओ। मैडम मैडम, अरे मैडम मैडम मैडम, आप इस तरह से मत भागिए मैडम, आपके जैसे भागने की मेरे अंदर ताकत नहीं है मैडम, प्लीज मैडम, प्लीज मैडम, मैडम आप डरिए मत, आप घबराइए मत मैडम, मैडम प्लीज आप हमारे साथ चलिए, हम होटल में चल के बात करेंगे मैडम, प्लीज मैडम आप मेरी बात सुनिए मैडम, प्लीज आइए। हाँ मैडम, मेरे बॉस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप घबराइए मत, आपका टाइम ठीक नहीं है, आप अभी पेड़ के नीचे खड़ी है, पेड़ की डाली टूटेगी और आपके ऊपर गिरेगी और आप मर जाएंगे। अरे अरे कूल कूल रिजॉर्ट नाम रखा है तुमने, सब लोग कूल होकर मिट्टी में मिल रहे हैं, अब मैं क्या करूं? ये सब कुछ इसकी वजह से हो रहा है, ये जो भी कहता है वो सच हो जाता है। मेरे भाई को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वो कितना सही है ये आपको पता हाँ, चल ही जाएगा। पता चल ही रहा है, देख लो। अरे ये कैसी बात कर रही हो, अगर मैं जो भी बोलता वो सच हो जाता तो मैं इस डब्बा होटल में काम क्यों करता? मेरे होटल को डब्बा बोलेगा? अरे बॉस, फिर मैं सुबह सुबह टीवी चैनल पे ज्योतिष बन के भाग्य बता के पैसे कमा लेता ना, मैंने जो बोला वैसा ही घटित हो गया, यही एक इत्तेफाक था। अभी मैं बोलूं कि बिजली कड़केगी बारिश होगी तो होगी क्या? बारिश, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा ही हो रहा, मैं भगवान हो गया हूँ क्या? भगवान नहीं, भूत है। बहुत खराब टाइम चल रहा है मेरा, सब लोग यहाँ आकर के क्यों मर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूँ हे भगवान, यहाँ आने का फैसला पता नहीं किस घड़ी में लिया था मैंने, हे भगवान रक्षा करना। मैं पूछ रही हूँ क्या हुआ कार्तिक? बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है, टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूँ ना, जस्ट रिलैक्स। तू आता था, मैं मसाज कर दूंगी, ओके, टेंशन ऐसे दूर हो जाएगी। अच्छा, तो उस तरफ कर, मैं इस तरफ करती हूँ। ठीक है, दोनों मिलकर करो करो करो। अरे अरे बाप रे, ये तो सपना था, क्या हो रहा है मेरे साथ? अरे दो औरतें तो ठीक है, ये मर्द क्यों आ जाता है मेरे पास? संभल के रहना पड़ेगा। आईना है फिर भी ये बिना आईने में देखे शेव कर रहा है। हेलो, जरा इधर आओ। क्या कर रहे हो भाई? मुंह पे उगने वाली झाड़ियों को साफ करना ही सेविंग होती है। तो कहीं भी इस तरह से घिस देने को शेव बोलते हो तुम? आईना है फिर भी इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो? मुझे ऐसे ही करने की आदत पड़ गई है। अरे कहीं कट पिट गया तो क्या करोगे? उसका कोई चांस ही नहीं है, मैं तो कई सालों से ऐसे ही कर रहा हूँ। अरे अगर है तो इस्तेमाल कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है? ये सब मुझसे वर्कआउट नहीं होगा समझे? अरे ऐसी कौन सी बात है भाई, जब मुझे करना ही नहीं है तो तुम मुझे फोर्स क्यों कर रहे हो? अरे भाई तुम्हारी आवाज ऐसे बदल क्यों गई? आराम से, स्लो चलो, जल्दबाजी मत करो। आजा 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 बच्चों, आजा। आइए आइए मैडम, आइए। अरे तुम जाके किचन में खाने का इंतजाम करो। आइए मैडम, आइए आइए प्लीज। आइए, वेलकम मैम। मैडम कितने रूम चाहिए, कितने दिनों के लिए मैडम? एक रात के लिए, हम सुबह चले जाएंगे। अच्छा, रात को यहाँ एक समस्या है मैम। इधर आ तो।
अबे कस्टमर को डरा क्यों रहा है? तेरी जान ले लूंगा मैं, समझा? अरे बॉस, आपके होटल में जो आता है वो मर जाता है। यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, होटल का शमशान भी छोटा है, एक बार सोच के देख लीजिए। भगवान सब संभाल लेंगे, तू अपना मुंह बंद कर। कुछ नहीं मैडम, बच्चों को कैसे अकोमोडेट करना है उसमें हम लोग बातचीत कर रहे थे मैडम। अच्छा ऐसा क्या? मैडम जी जी मैडम 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 क्या हुआ मैडम? मैडम मैडम क्या हुआ? अरे जाके देखना क्या हुआ मैडम। जोर से सांस लीजिए मैडम। अरे मैडम 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 तो क्या खाई थी मैडम? वो क्या है, सुबह आते समय बहुत ज्यादा ऑयली खा के आई थी ना, गैस निकला नहीं था तो अभी निकल गया। मैडम सोएंगी कहाँ? ऊपर सोऊंगी। वो ऊपर के रूम के बारे में बात कर रही हैं। अच्छा ये बात है मैडम, देता हूँ मैडम, देता हूँ। जल्दी से कीज तो दीजिए। हाँ मैडम ये लीजिए, दोनों कमरों की चाबी आपके पास। ओके थैंक यू मैडम। थैंक यू। मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। आप पहले जाके रिलैक्स कर लीजिए ना मैडम। सभी से पहचानते हैं मैडम। मैंने आपको कहीं ना कहीं तो देखा है। देखा होगा देखा होगा। घंटी 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 में क्यों हाथ लगा रहा है? घंटी में क्यों हाथ? तेरी घंटी बजा दूंगा समझा? मुझे क्यों मार रहे हो? मैं क्या आपकी घंटी बजा रहा हूँ? मेरी घंटी बजाएगा तू? चबक बक 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 भाग, नहीं तो मुझे मारेगा, देख लूंगा मैं तुझे। ए शरद, उस बच्चे को क्यों मार रहा था तू? क्यों, आपको दिख नहीं रहा था वो घंटी बजा रहा था? बजा रहा था तो बजाने देते उसे। क्या बॉस, जो लोग पहले आए थे उन्होंने घंटी बजाई थी, उसका क्या हश्र हुआ देखा था ना, वो सिर्फ घंटी नहीं है, मौत की घंटी है। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे उसको आवाज दो। आपको नहीं सर, आप गाइए 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 सर। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। सर आप गाना सिखाते हैं? नहीं मैं पीटी टीचर हूँ। अच्छा तो मैडम के साथ आप ही सोने वाले हैं? मैं सेपरेट ही सोऊंगा। बिल्कुल सर बिल्कुल सोइए आप, आपकी वजह से मेरे होटल का बिजनेस बढ़ा है, मैं आपको अपना रूम दे दूंगा सर। ये लीजिए सर मेरा रूम। थैंक यू सर। सर एक मिनट सर। सर ये लीजिए, मैडम ने साइन नहीं किया, आप साइन कर दीजिए, एड्रेस लिख लीजिएगा। इसके सिवा जाना कहाँ। थैंक यू थैंक यू। बहुत बोलता है तू। अच्छा हाथ रख हाथ रख। दिमाग खराब करके रखा है इसने, अजीब हाल है। तू अंदर क्या कर रहा है? पीटी मास्टर फुल टाइट होके झगड़ा कर रहा है। हटना, मैं उनसे बात करता हूँ। नहीं नहीं रहने दीजिए, मैंने सब समझा दिया। श्योर? हाँ चलिए ठीक है। पीटी मास्टर को पीटी सिखानी चाहिए, वो गाना क्यों गा रहा था बात समझ में नहीं आई। बॉस अंदर से ही आवाज आ रही है। हाँ देखते हैं। वो मुझे बुला रही है। क्या है? गरम गरम पूरी, आ जाओ। अरे आता हूँ ना, चलो अंदर चलते हैं। बॉस पूरी बना के देगी बोल रही है। कितनी बार पूरी खिलाओगी मुझे तुम? सब सोए हुए हैं, फिर आवाज कहां से आ रही है? ये देखो आ गया। अरे मारो इसको, अरे मुझे अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या चल रहा है यहाँ पर? मुझे लगा ये पता नहीं कैसी आवाज है, लेकिन तुम तो यहाँ खेल रहे हो। क्या बॉस, मुझे देख के ऐसा लग रहा है क्या कि मैं यहाँ खेलने आया हूँ? इन सब लोगों ने मिलकर मेरा कचूमर निकाल दिया। ए, ये सब क्या है? तुम इस अंकल को क्यों मार रहे थे? कल सुबह सबकी खबर लेती हूँ। जाने दीजिए मैडम, छोटे बच्चे हैं, ट्रिप पे आए, एंजॉय कर रहे हैं। आप भी कहाँ इसकी बातों में पड़ती हैं? इन लोगों को ऐसे मत छोड़िएगा मैडम, इन लोगों ने प्लान बना के मुझे अंदर बुलाया, मुझ पे अटैक किया। अरे मैडम इसकी बातों पे यकीन करने की जरूरत नहीं है, अब सब बच्चे बोर हो रहे होंगे, उनका माइंड फ्रेश करने के लिए कोई गेम वेम खेलिए। क्या गेम खेलूं? ओके, इस जार में कितने जेम्स है ये अगर मुझे कोई बताएगा तो उसे ये फुल जेम्स से भरा हुआ जार दे दूंगी। किसी को पता है? तुम्हें पता है? चलो जल्दी बताओ, कम ऑन। उस जार में 247 जेम्स हैं। ए खाया भी है, कभी जेम्स खाया भी है? दिलवाऊं क्या तुझे? जो मुंह में आया बोल देता है, 247 जेम है। नहीं बस 247 ही है, मैं ठीक बोल रहा हूँ।
मैडम यकीन ना हो तो गिन लीजिए। ओके गिनती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। टू फोर्टी फाइव, टू फोर्टी सिक्स, टू फोर्टी सेवन। ओ माय गॉड, एकदम सही। आपने इतना करेक्ट कैसे बताया, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। शरद तुमने इतना सही सही कैसे बताया? दिमाग वालों को क्यों कैसे ये सब नहीं पूछना चाहिए, समझे? बहुत सारे बच्चे लोग आए हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं सब एक एक करके चेक कर लेता हूँ। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, सब ठीक है। ओके चलो अब आराम करता हूँ, कोई तकलीफ नहीं है। कौन है, कौन है वहां? ए ए शरद, इतने धीरे धीरे क्यों आ रहा है? शरद कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे मालिक, अरे मेरे बाप, कुछ तो बोल। अरे आगे बड़ी बड़ी करके मेरे पास क्यों आ रहा है? ए मैं वैसा आदमी नहीं हूँ यार, दया कर मेरे ऊपर, मेरी इज्जत चली जाएगी। तू ऐसे नहीं मानेगा, अभी बताता हूँ। हाँ, बॉस मुझे नीचे बैठा के तुम ये क्या कर रहे हो? अबे कभी ने मैं नहीं, तू कर रहा था। अबे नींद में तो चलना ठीक है, लेकिन कोई लुंगी उतार के चलता है क्या? ऐसे कोई देख ले तो बुखार चढ़ जाएगा उसे। पहन जल्दी पहन ना। सबने अपना लगेज पैक कर लिया ना, कुछ बाकी तो नहीं रहा? हाँ, सब कुछ रख लिया है। आपको और दो दिन रहना चाहिए था, मैं आपसे भाड़ा भी नहीं मांगता। ठीक है मैडम, चलिए फिर आइएगा, फिर आइए, चलो जल्दी चलो। ए भाड़ा नहीं लेगा, ये तेरे बाप का है क्या बे? सेफ्टी के लिए हम लोगों को एक बार चेक जरूर करना चाहिए। सही कहा, मैडम को चेक करना। ए मैडम को नहीं, बच्चों को। आजा। चलो 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 चलो। ए, तू इतना सुस्त क्यों है बे? मिस को मिस कर रहा हूँ बॉस। तेरी तो बच्चे मिस नहीं हुए, मैं इस खुशी में खुश हूँ और तू मिस को मिस कर रहा है, बेवकूफ। फिर भी कुछ तो मिस हो रहा है बॉस। मिस? अरे हाँ, पीटी मास्टर मिस हुआ है। मैडम हाँ? पीटी मास्टर जी कहाँ है? वो तो स्कूल में ही होंगे ना। ओह सुबह सुबह स्कूल चले गए क्या? वो हमारे साथ तो थे ही नहीं। तो जो यहाँ गाना गा करके घूम रहे थे वो पीटी मास्टर नहीं थे? वो कोई दूसरे स्कूल का पीटी मास्टर होगा। चलो ओके बाय। पीटी मास्टर, पीटी मास्टर, पीटी कहाँ चले गए? बस है, नो प्रॉब्लम, पीटी मास्टर बाथरूम में योगा कर रहे हैं। योगा कर रहे हैं फिर ठीक है, बाथरूम के अंदर योगा कर रहे हैं? हाँ बस। हे बाथरूम में लोग नहाते हैं धोते हैं, ये योगा कौन करता है बे? चाहिए तो आप ही जाके चेक कर लो बॉस। अरे अरे ये क्या हो गया?
हे भगवान, ये क्या हो गया? लगता है इस साबुन पर पैर पड़ गया और ये फिसल कर इसमें गिर गए और मर गए। टीटी मास्टर, क्या होगा? टीटी मास्टर, सुन रहे हो क्या? जगाने का कोई फायदा नहीं है, ये मर चुके हैं बहन, अब क्या होगा? एक नई मुसीबत, हे भगवान। अरे चल उठा उठा उठा। कार्तिक, मुझे लगता है हम गलती कर रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे तो इस शरद के ऊपर थोड़ा डाउट हो रहा है। थोड़ा डाउट क्या, मुझे तो उस पर बहुत डाउट है। पहले इंस्पेक्टर, फिर स्कूल बस ड्राइवर और स्कूल की टीचर, इतना ही क्यों? हमें भी तो लग रहा है ना कि उसे हमने कहीं देखा हुआ है। मुझे लग रहा है कि ये शरद एक क्रिमिनल है। तुम्हें लग रहा है वो क्रिमिनल है, लेकिन वो, लेकिन क्या? वो भूत है। क्यों मजाक कर रही हो कार्तिक? अब तक जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोच कर देखो, वो जैसा जैसा कहता है यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। उसने जेम्स की जो काउंटिंग बताई थी वो भी बिल्कुल सही थी, ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने उसे आईने में चेहरा दिखाने की कोशिश की तो उसे गुस्सा आ गया, तुम्हें याद है ना? बिल्कुल, उस दिन आईना उसके पास लेकर के गया तो उसके हाव भाव बदलने लगे थे, देखा था मैंने। तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है, वो अलग ही व्यवहार कर रहा है हम लोगों से, लेकिन इन बातों से उसे भूत मान लेना ठीक है? कार्तिक, हमें सच्चाई का पता लगाना ही होगा, मुझे पक्का यकीन है कि वो भूत ही है, प्लीज कार्तिक। शरद भूत है? शरद? बस। क्या कर रहे हो शरद? चेहरे पे क्रीम लगा लो। लगा लो, अच्छी बात है, लेकिन आईना तो देख लो। आईना तो देखो, 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 आईना देखो, शरद देखो, क्या हो रहा है? शरद, शरद आईने में देखो। छोड़ दो, छोड़ दो, नहीं 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 बॉस, छोड़ दो मुझे। बॉस, ये तो आईने में दिखाई दे रहा है, छोड़ इसे। ये कैसे हो सकता है? मुझे तो दिखाई दिया, तुम्हें नहीं दिखाई दिया क्या? अरे दिख रहा है मुझे, लेकिन मेरा क्रीम लगा करके मुझसे गोरा क्यों दिख रहा है वो? ओहो बेवकूफ, उससे पूछो कि उसे आईना देखने में प्रॉब्लम क्या है, आईने के सामने आने से घबराता क्यों है? वो मैं उससे भी गोरा हूँ ना। ओहो पहले उससे पूछो। आईना पसंद नहीं है ये जानते हुए भी आप मुझे आईना क्यों दिखा रहे हो? मुझे पता है, लेकिन ये बताओ कि देखना क्यों नहीं चाहते? बैठो बताता हूँ। खड़ा रहूंगा तो नहीं बताएगा क्या? बैठो तो। अब बता। आईने के अंदर से एक बदसूरत सा आदमी निकल के मारेगा। बदसूरत सा आदमी मतलब अगली मैन? उसके बारे में आप नहीं जानते हैं। अबे तू मुंह खोलेगा तभी पता चलेगा ना। हैं बॉस, हैं हमारे गांव में एक बदसूरत सा आदमी था, हैं उसके साथ क्या हुआ पता है? क्या हुआ भाई? इंश्योरेंस के पैसे के बारे में बात करना चाहते थे। यस, तुम्हारे नाम पर जो इंश्योरेंस है ना, उसका पैसा मैं लेना चाहता हूँ। भाई वो कैसे हो सकता है, मेरे मरने के बाद ही तो पैसा आपको मिलेगा ना। यू आर परफेक्टली राइट, इसीलिए तो मैंने तुम्हें मार डालने के लिए एक जबरदस्त मास्टर प्लान बनाया है। भाई पैसों के लिए आप अपने भाई को भी मार दोगे क्या? अरे मैं कोई सच में थोड़े ना मारने वाला हूँ, मरने का बस नाटक करना होगा, इंश्योरेंस कंपनी वाले को मनवाना है, आए हुए पैसे को हम दोनों बांट लेंगे और इस जगह को छोड़कर विदेश में जाकर सेटल हो जाएंगे। कहो कैसा लगा? ए, भाई प्लान तो बहुत अच्छा है, मैं एक बार अपनी बीवी से भी पूछ लेता हूँ भाई। लेकिन मैं मर गया हूँ ये बात आप साबित कैसे करोगे भाई? मैं असली डॉक्टर नहीं हूँ, फिर भी खुद को डॉक्टर बताकर सारे गांव वालों को बेवकूफ बनाया। ये देखो ये एक इंजेक्शन है, ये जब तुम्हें दे दूंगा तो तुम क्लिनिकली डेड हो या प्रूव हो जाएगा। आप मुझे सच में तो नहीं मारोगे ना भाई? अरे तुम जिंदा ही रहोगे, जब मैं तुम्हें ये इंजेक्शन दे दूंगा तो तुम बहुत देर तक एक इंच भी नहीं हिल पाओगे, लाश की तरह पड़े रहोगे। बहुत बढ़िया आइडिया है, लो लगाओ इंजेक्शन, मैं बिल्कुल रेडी हूँ, पैसा लेकर हम भाग जाएंगे। ये कैसे हुआ? पैर फिसल कर गिर गया, ये ऐसे हुआ। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, इस मौत पे मुझे कोई शक नहीं, इसलिए आप लोग इनका क्रियाक्रम कर सकते हैं। फिर भी कंफर्मेशन के लिए एक बार पोस्टमार्टम करवा लेना चाहिए सर। हाँ ये भी सही है। सुनिए डॉक्टर साहब, आप एक काम कीजिए, अपने भाई का पोस्टमार्टम खुद ही कीजिए। कमीना कांस्टेबल, खुद का प्रमोशन पाने के लिए मुझे बलि का बकरा बना रहा है ये। ब्रदर की बॉडी को आप मुझसे ही पोस्टमार्टम करने के लिए कह रहे हैं, इट्स ओके। अरे कहाँ लेकर आ गए मुझे, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है भाई?
क्या हो रहा है भाई? मुझे यहाँ कितने दिन ऐसे लेटना पड़ेगा ये बताओ। भाई मुझे यहाँ और नहीं सोना है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम कुछ बोल रहे हो लेकिन मुझे सुनाई नहीं दे रहा। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम्हें सुनाई दे रहा है, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। अभी तुम पोस्टमार्टम रूम में पड़े हुए हो, तुम्हारी सांसें चल रही हैं। थोड़ा सब्र रखो, मैं यहाँ पर सब कुछ खत्म कर दूंगा। खत्म कर दोगे? ये सब क्या बोल रहे हो भाई? हे, तुमने अपनी जिंदगी में बस एक ही अच्छा काम किया है। मैंने जो तुमसे कहा तुमने बिल्कुल वैसा ही किया है। अरे ऐसे क्यों हंस रहे हो? क्या करने वाले हो भाई? पहले मैं अपना काम कर लूंगा और उसके बाद अपने स्टूडेंट्स को डेमो दूंगा। डेमो 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 दोगे? मुझे क्या समझ कर रखे हो? ये तो धोखा है भाई। तुम्हें सब लोग दुनिया का सबसे बदसूरत आदमी कहते हैं। बिल्कुल सही कहते हैं। तुमने अपना ये खूबसूरत थोबड़ा कभी आईने में झांक कर देखा है? लो मेरा चेहरा। नहीं नहीं, मुझे अर्जेंट में एक नंबर जाना है, उठाओ मुझे। देखो तुम्हारा चेहरा कैसा है। अरे मैंने देख लिया। अब मुझे अपना चेहरा आईने में नहीं देखना है। अगर और देखूंगा तो मुझे एक नंबर और जोर से लग जाएगी। हटाओ इसे यहाँ से। तुम्हारा ऐसा चेहरा है और तुम्हारी वो बीबी कितनी खूबसूरत है। तुम उसकी चिंता मत करना, मैं उसे अच्छी तरह से संभालूंगा। तुमने मुझे धोखा दिया। अरे पापी, मेरे साथ ऐसा चीटिंग क्यों किया तूने? बोल ये कौन सी मशीन है? पत्थर काटने वाली मशीन। प्लीज भाई ऐसा मत कर, कुछ मत करना मेरे साथ। अरे कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ रे, बचाओ। क्या हुआ जानू, ऐसे क्यों कर रही हो? ये फोटो देख के मुझे डर लग रहा है। उस खूबसूरत चेहरे को देखकर तुम्हें डर लग रहा है? आप कह रहे थे कि वो आईना देखते देखते मर गया, तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि उस आईने में उसकी आत्मा बसती है। उस आईने के अंदर उसकी आत्मा बसती है क्या? पगली कहीं की। रुको मैं उसे बुलाता हूँ, देखता हूँ आता है कि नहीं। ए, आजा, पास आजा, आजा, बदसूरत आदमी। उस दिन बदसूरत आदमी आईने से बाहर आके दोनों को मार दिया। जब से मैंने ये कहानी सुनी है तब से आईना देखना छोड़ दिया है बॉस। सुना सुना, पता नहीं किस जमाने की कहानी सुना करके हमें डरा रहा है। ए, जो हमें डराने की कोशिश करे ना, हमें उसे डरा देना चाहिए, तभी हम जिंदगी में जीत पाएंगे। चल चल एक बार आईना देखने, मैं भी देखता हूँ तेरे साथ। नहीं बस, नहीं बस, प्लीज। अरे प्लीज, चल ना, कुछ नहीं होगा। नहीं बस, नहीं बस, प्लीज बस। अगर तू इतना डरा है तो देख कि कौन बदसूरत आकर तुझे डराएगा, दिखाता हूँ। आ जा बदसूरत। तुम अपनी फालतू की एडवाइस अपने पास रखो, पहले हमें जो डाउट्स है वो क्लियर करो। इससे ये पूछो कि इसने जेम्स की काउंटिंग इतनी करेक्ट कैसे बताई? अरे बॉस, फेंके हुए सारे जेम्स पैकेट को उठाकर मैंने ही कचड़े में डाला था। वहाँ 10 पैकेट थे, एक पैकेट में 25 जेम्स होते हैं। ये बात तो एक छोटा सा बच्चा भी जानता है बॉस कि 25 × 10 = 250। उसमें से 3 टीचर ने खा लिए थे, इसलिए मैंने आसानी से बता दिया। ये बात है क्या? मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। मैं तो बस ये दिखाना चाहता था कि मैं कितना चालाक हूँ, लेकिन आप तो मुझ पे ही शक कर बैठे। उस दिन रात को तुम्हारे बोलते ही बारिश हो गई, वो क्या था? क्या जादू था क्या पता, लेकिन उस दिन मैं जो बोल रहा था वो सब घटित हो रहा था। मुझे लगने लगा मेरे अंदर कोई जादुई शक्ति आ गई है, इसलिए ऐसा हो रहा है। उस दिन सौम्या मैडम टेरेस में अकेले खड़ी थी। सौम्या, क्या तुम मुझे किस दोगी? अबे कमीने, तेरे पास एक्स्ट्रा पावर आ गई तो तू मेरे प्यार में टांग घुसाएगा बे। अरे बॉस ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस एक्सपेरिमेंट कर रहा था, वर्कआउट ही नहीं हुआ। तेरी तो अच्छा वो छोड़ो, मुझे ये बताओ कि जो कोई भी तुम्हें देखता है वो ऐसा क्यों कहता है कि उसने पहले तुम्हें देखा है? मुझे और कार्तिक को भी तुम्हें पहली बार देखकर बिल्कुल ऐसा ही लगा था। किसी न किसी तरह से तो तुम हमारी लाइफ से कनेक्टेड हो ही, ये कैसे हो सकता है? हाँ कैसे? ए, रुमाल दिए क्या बे? सॉरी
मैंने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा कर दिया क्या, क्या? जो मुझे नहीं करना चाहिए था उसे भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब मालूम चल रहा है कि कुछ सपने ऐसे होते हैं जो कभी भूले नहीं जा सकते। बिग बॉस में जाने के लिए तो बिल्कुल ठीक है बेटा। ओवर एक्टिंग, आगे बोल। सब लोग मुझसे कहीं देखा हूँ बोलते रहते हैं ना। मैंने एक ब्लू फिल्म में एक्टिंग की है, उस फिल्म का हीरो मैं हूँ। फिल्म का नाम है पम्पसेट पद्मिनी। ये तो बहुत ही खराब बात है कि हर रोज कैसे कैसे लोगों के बारे में पेपर में छपता है, जबकि हमारे लिए पंप मार के पानी देकर हेल्प करने वाले गर्म हाथ मास्टर के बारे में क्यों नहीं छपता। सिर्फ गर्म हाथ भास्कर नहीं, गर्म को गर्म करने वाला भास्कर। वो तुम हो क्या? भयंकर परफॉर्मेंस की है तूने उसमें। थैंक यू। इसलिए जब भी रात में मैं तुम्हें देखता हूँ उस रोज मेरे सपने खराब ही आते हैं। अच्छा, उस फिल्म में तेरा नाम गर्म हाथ मास्टर है ना? नहीं बॉस, गर्म को गर्म करने वाला गर्म हाथ भास्कर। करेक्ट। उस फिल्म को तुम मर्दों ने देखा है तो अच्छा है, लेकिन उस फिल्म को सौम्या मैडम ने देखी है, आश्चर्य हो रहा है। वो पम्पसेट पद्मिनी का नाम सुनकर मुझे लगा कि कोई इंटरेस्टिंग मूवी होगी, इसलिए देख ली। एनीवेज, अपने पम्पसेट में पानी आया, जरा देखो तो एक बार। देख लो। बॉस, उस फिल्म में मैंने एक्टिंग कैसी की थी आपने बताया नहीं। उसमें तेरी एक्टिंग से ज्यादा तेरी बॉडी लैंग्वेज थी और कुछ भी नहीं। चला टाटा। आजा बदसूरत चेहरे। अबे तू यहाँ मेरे पीछे खड़े होकर क्या कर रहा है? बॉस, मुझे देख के क्यों डर रहे हो? कल सुबह सारी प्रॉपर्टी आपके नाम पे करने के लिए सारे पेपर रेडी हो गए हैं, कल एक बार जाकर देख आएंगे। हाँ बॉस, मुझे पता है, तू पहले जाकर के साफ सफाई कर। हाँ। जा। आजा। बॉस, आपने जो बोला था उसके बारे में मैंने सोच लिया, मैं अपने डर को जीतने का फैसला कर चुका हूँ। वेरी गुड। मेरी बात को तूने इतनी सीरियसली लिया, मेरी बात सुनकर जो भी मानने के लिए तैयार हो जाता है मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ही प्यार। ए, क्या चल रहा है? दोस्ताना चल रहा है क्या? तुम दोनों को कोई ऐसे देखेगा ना तो सोचेगा तुम हग करके किस करने वाले हो। उसकी बात को तुम दिल पर मत लेना, इधर जो ट्राई करना था वो बाथरूम में ट्राई करेंगे। चल, बाथरूम में हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, बाथरूम में कम्फर्ट रहेगा। बाथरूम में जाकर क्या करेंगे ये लोग? बस ये मेरा डर है, इसे मुझे ही जीतना होगा, आप मत जाइए। ओके, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। जा, दरवाजा ऐसे बंद करता हूँ जैसे आज मेरी सुहाग रात। मैंने बोल तो दिया। आ जा बदसूरत आदमी। सुलभ शौचालय के सामने ऐसे खड़ा हो जैसे पैसा लेने वाला कर्मचारी। आ जा बदसूरत आदमी, आ जा। क्या हुआ? अरे तेरे अंदर से डर अभी तक गया नहीं क्या? मैंने कहा था ना बदसूरत आदमी मुझे मारेगा। वो बदसूरत शक्ल वाला यहाँ आया था? बस क्या कर रहे हो तुम? हाँ, तुम्हारा काम हो जाएगा, यहाँ पर साइन करो, जायदाद आपकी हो जाएगी। ठीक है सर। सर पेन दीजिए। नहीं, जिंदगी में पहली बार साइन कर रहा हूँ, तू मना क्यों कर रही है? मैंने कुछ नहीं कहा। सच में तूने नहीं कहा? साइन करो ना। नहीं। आपने कान में कुछ बोला क्या सर? अरे दिमाग मत खाओ, जल्दी से साइन करो तुम। ठीक है सर, साइन करो। Oh, my God.
कार्तिक, कार्तिक, प्रॉपर्टी अब तुम्हारे नाम हो गई है, ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठे हो फिर? हे, इतने दिनों तक हम दोनों शरद पर ही डाउट करते रहे, लेकिन अब शरद पर ही किसी ने अटैक कर दिया है, यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। कार्तिक, सच कहूँ तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। ए पागल, अरे तू भूल गई क्या? तू ही तो कह रही थी कि जो शरद है वो भूत है। वो भूत है कि नहीं उसे पता करने के चक्कर में हम भूत बन गए। मुझे तो जो लग रहा था मैंने वही कह दिया, अब तुम ऐसे ओवर रिएक्ट मत करो, चलो। वाओ, आप लोगों ने बहुत अच्छा होटल बनाया है, मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी। हाय, क्या दिख रहा है? दिमाग खराब हो रहा है। वाओ, वाओ मैन, नाइस बाइसेप्स, वाओ सेक्सी फिजिक। घटिया आदमी मेरे सामने ही ऐसी हरकत कर रहा है। खाने में क्या लेंगे आप? ये जो भी लेकर आएंगी मैं खा लूंगा। Give me 2 minutes. Okay. ये हमारा ग्राहक है या उसका कस्टमर? आपका बॉस। घंटी बजा दिया। वो कहाँ गया? ऊपर गया। ऊपर गया। ऊपर गया। कैसी लड़की है ये? कौन है कौन नहीं? कुछ भी जाने बिना ऐसे ही चली गई। भूख लगती है ना तो प्लेट में सफेद चावल है या बिरयानी कुछ पता नहीं चलता, बिना सोचे खाता रहता है खाता रहता है। बॉस, खाने के बारे में बोल रहा था। हिल क्यों रहा है? अच्छा बाहर कोई भूकंप तो नहीं आया ना, फिर ये इतना हिल कैसे रहा है? वो तो पता नहीं बॉस, भूकंप से बड़ा झटका तो ये है कि मेरी बहन को उससे प्यार हो गया है, वो अभी उसी के रूम में है। रहने दो, कुछ नहीं होगा, तुम्हारी बहन कस्टमर को अच्छा सर्विस दे रही है, अच्छा है हमारा ही बिजनेस। ऊपर मेरी बहन है और नीचे मैं तुम्हारा मालिक हूँ। शिल्पा, अपना ये खूबसूरत सा चेहरा एक बार मुझे प्यार से दिखाओ ना। मुझे शर्म आ रही है। अरे एक बार दिखाओ ना प्लीज। क्या दिखाना है? देखो नहीं दिखाओगी तो मैं खुद ही देख लूंगा। मुझे शर्म आ रही है। शिल्पा, वो तुमसे क्या दिखाने के लिए बोल रहा है? चाहिए ना, मुझे शर्म आ रही है। देखो मुझसे सहन नहीं हो रहा है, प्लीज झुक कर देखूंगा, देख कर ही मानूंगा। शिल्पा दरवाजा खोलो। ओहो क्या है, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? ना कुछ सुकून से रहेगा ना मुझे रहने देगा। शिल्पा देखो ना फंस गया है, बाहर निकालने में मदद करो ना। ओ गॉड, तुम ऐसे कैसे फंस गए? अच्छा स्लोली स्लोली बाहर आओ। अरे धीरे से, धीरे से खींचो शिल्पा, धीरे से। ओके मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तुम दरवाजा खोलो, मैं बताता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ कैसे। दरवाजा खोलो जल्दी, खींचो शिल्पा, खुद से कोशिश भी तो। अरे शिल्पा कुछ तो करो, जल्दी करो। शिल्पा नहीं रहे हो, मुझे कुछ करना होगा। निकालो शिल्पा, शिल्पा क्या कर रही हो? अरे 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 शिल्पा, अरे निकालो। खिड़की के रोड के अंदर उसका सर घुसा के क्या कर रही थी उसके साथ? अरे पापी तुम्हें तो दरवाजा खोल के इसकी जान ले ली। उसने खिड़की के अंदर सर घुसाया था क्या? अरे तुम दोनों भाई बहन ने मिलकर के क्या कर दिया? इसके सर को खिड़की के अंदर क्यों घुसाया तुम लोगों ने? मैंने कुछ नहीं किया बॉस, मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर कैसे हुआ ये? ये खून नहीं हुआ, एक्सीडेंट है बॉस। जरा इसे देखो कैसी खड़ी है ये, जिस तरह ये सीढ़ियों पे मटक के ऊपर आ रही थी मुझे लग रहा था कि ये निकल लेगा। बॉस इतने दिनों से ग्राहक खुद आके हमारे होटल में मर जाते थे, पहली बार हम दोनों ने इसे मारा है। अरे मारा तुम लोगों ने और नाम मेरा लगा रहे हो, मुंह फोड़ दूंगा मैं, कुछ नहीं करूंगा, जा रहा हूँ मैं, करो तुम लोग। मेरी मदद तो करो ना बॉस, अकेले छोड़ के क्यों जा रहे हो? ऊपर आओ, उठाओ लाश का कितना वजन है। अरे ये कौन है जो चश्मदीद गवाह बन के खड़ा है? हमारी इन करतूतों का गवाह बन जाएगा ये तो। टकराया, लुढ़का, गिर गया, कौन है ये? इसी को दफना दे क्या यहीं पर? बॉस यही वो बूढ़ा है जिसने उस दिन बाथरूम में मेरे ऊपर अटैक किया था। हाँ। अच्छा इसे जरा चेक करो कौन है। बॉस अपने होटल का चिकन फ्राइड राइस। अच्छा ये फ्राइड राइस चोर है। सॉरी बॉस इतने दिनों से मैं आपको और मैडम को चोर समझ रहा था। मजाक मत कर, जिंदा है या मर गया वो चेक कर। मैंने उसे चेक करने के लिए बोला था, तूने तो उसे मारी डाला यार, क्या कर दिया तूने? सॉरी बॉस वो अचानक उठा तो मैं बहुत डर गया था।
इन दोनों को मेरे अकाउंट में डाल दो। अबे तेरे बैंक का अकाउंट है क्या कि तू उसमें चेक डाल रहा है? पहले चेक कर वो जिंदा है कि नहीं। बॉस थोड़ी थोड़ी सांसें चल रही हैं। पुलिस वालों को बताना पड़ा, इसे हम बाहर ही नहीं जाने देंगे। अपने रिजॉर्ट में कब्रिस्तान की तरफ बॉडी पर बॉडी दफन हो रही है और तू आराम से बैठ करके न्यूज सुन रहा है। अरे चिल्ला क्यों रहे हो बॉस? इन सारी मौतों का रहस्य ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। रेडियो में कौन सा रहस्य मिलेगा? ऐसा नहीं है बॉस, एक लाश ठीक है, दो लाश ठीक है, लेकिन यहाँ आने वाले सभी लोग खुद ब खुद मर जा रहे हैं। यहाँ जरूर कोई गड़बड़ है बॉस। हाँ कार्तिक, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हम लोग यहाँ रहते हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन गेस्ट बन के आने वालों की मौत हो जाती है। आता है, रूम बुक करता है और हर कोई यहाँ आके चिकन फ्राइड राइस ही खाता है और उसके बाद मर जाता है। तेरी बहन को कुछ आता तो है नहीं, वही बनाकर सबको खिलाती है। और वो घंटी जब भी बजती है तो आने वाला मर ही जाता है। करेक्ट है, इसमें कुछ न कुछ तो पैटर्न है। बस मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्या? हम लोगों में से कोई गेस्ट बन के आए और टेस्ट करते हैं। आइडिया तो अच्छा है, तो तुम गेस्ट बनकर कब आ रहे हो? ये क्या, मुझे ही बलि का बकरा बना रहे हो? छोड़ो, लकी ड्रॉ करते हैं। हेलो, बहुत हिला लिया, उसको पकड़ाओ। अब मैं निकालता हूँ, मैं निकालता हूँ। शिल्पा, ओके, आई एम रेडी। आइए मैडम। मैडम, वेलकम मैडम। साड़ी पहनने वाली अचानक नेकर पहन ले तो कितनी अच्छी लगती है। क्या कर रहे हो? कस्टमर का वेलकम कर रहा हूँ। सारे कस्टमर्स को ऐसे ही वेलकम करते हो क्या? पीछे हटो, हटो। इसको तो कोई काम है नहीं। वेलकम मैडम। हाय। वेलकम। आपको कौन सा रूम दूं? मुझे सबसे ऊपर वाला, बड़ी खिड़की वाला कमरा चाहिए। ये लीजिए पेन और अपनी सारी डिटेल्स फिलअप कीजिए। खाने में क्या भेजूं? चिकन फ्राइड राइस। ओके ओके। अपनी नौकरानी को लेकर आने के लिए कहिए। हेलो मैडम। हेलो। हेलो। हाय। ये लो, इस रूम में कुछ भी नहीं है। अगर कोई भी आवाज हो तो हमें बुलाकर सीन मत क्रिएट करना। ठीक है, अब चली जाओ। क्या? दरवाजा बंद करके चली जाओ। पता नहीं अपने आप को क्या समझ रही है। नौटंकी। अनलिमिटेड सर्विसेज, ईट वेल मैडम। एंजॉय योर स्टे। सौम्या, तुम नीचे जाओ और तुम पीछे जाओ। अंदर मेरी बहन अकेली है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? अरे मैं हूँ, संभाल लूंगा, तुम जाओ। सभी चले गए। यही सही मौका है झांकने का। क्या लग रही है? साड़ी से ज्यादा स्ट्रेस में। सेक्सी लग रही है। क्या लग रही है? हम दोनों को ऐसे नीचे भेजकर तुम ऐसे क्या झांक झांक कर उसके कमरे में देख रहे हो? क्या देखने की कोशिश कर रहे हो तुम? तुम ये कैसी बात कर रही हो? तुम उसके अंदर क्या? छे, अब दरवाजा बंद है तो मैं कैसे देखूंगा कि आखिर उसके अंदर क्या हो रहा है? इसीलिए यहाँ से देख रहा था। वैसे तुम वापस क्यों आई? मुझे अकेले जाने में डर लगता है कार्तिक। तुम यहाँ रहोगी तो और भी ज्यादा डर लगेगा। तुम चुपचाप नीचे जाओ, अगर तुम्हें डर लगे तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। जाओ। दिखने वाला इम्पोर्टेंट सीन तो मिस ही हो गया होगा। लगता है वीडियो पॉज पर था। सही है, अब वो इम्पोर्टेंट सीन आएगा। मजा आ गया। कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? मैं सोने जा रही हूँ। तो मुझे क्यों बता रही हो? ये क्या हो रहा है? ये आवाज कहाँ से आ रही है? ए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैडम, बहुत डर लग रहा था और भूख भी लगी थी इसलिए थोड़ा खा रहा था। तेरी तो बेकार में डरा दिया मुझे। ये कैसी आवाज है?
पगली, इतनी देर से तुम ही गुनगुना रही थी क्या? मैं नहीं थी। हाँ, तुम नहीं थी तो कौन गुनगुना रहा है? सुनाई दिया कुछ? सुनाई दे रहा है। ये तो दरवाजे की आवाज है। उधर से आई। चलो देखते हैं। कार्तिक, कार्तिक, ये साउंड यहाँ से आ रहा है, तुम्हें सुनाई दे रहा है ना? कार्तिक, मुझे बहुत डर लग रहा है। कार्तिक, डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कौन है, कौन है? ए, कौन है, कौन है? चिल्ला रहा हूँ, आवाज क्यों नहीं दे रहा था? मैडम ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था बॉस। ए, मैंने नहीं किया। आपने नहीं किया तो किसने किया? क्यों क्या मुझे? मैं चुप रहना। हवा की वजह से डोर लॉक हो गया था। ऑटो लॉक सिस्टम है ये, और दो कर रहा है। हमें डरा दिया, मारूंगा बस। कोई दरवाजा खटखटा रहा है। मैडम, इतने टेंशन में आपको गाना गाना जरूरी है? मैं नहीं गा रही हूँ। आप नहीं गा रही है? ये आवाज ऊपर से आ रही है। बहुत लगता है ये मेरी बहन की आवाज है। दिमाग नहीं चलेगा, चाबी दे। मास्टर की तो आपके पास है ना? शिल्पा, अरे ये नहीं, अरे मुझे तो एक होल में चाबी भी नहीं डाल सकते। अब मैं हमेशा आपके साथ नहीं रहूंगा। अगर मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा आपका, सोच लो। तेरे भरोसे थोड़े जीता हूँ मैं। तू मेरे साथ रहे या नहीं रहे क्या फर्क पड़ता है? चल अभी। शिल्पा, 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 वो भूत मेरी बहन को ले गया। वो भूत मेरी बहन को ले गया। हमें भी नहीं दिख रही है, अपने आपको संभालो भाई। तुम सबने मिलकर मेरी बहन को छीन लिया। अरे मेरी बहन की जान ले ली। संभालो, मेरी बहन कहाँ चली गई? तुम भगवान के लिए अपने आप को संभालो। शरद, 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 प्लीज मेरी बहन को वापस कर दो। अरे इसने मिनी स्कर्ट पहन रखी है, तू खड़े होके रोगे, चलेगा। मेरी बहन को वापस कर दो। अब रोले, तुम्हें मजाक करने क्या देते? देखो अपने आप को संभालो। मजाक तो नहीं कर रहे हो? अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ यार। अब क्या हुआ बॉस? मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना यहाँ पर भूत है। जरूर उसी ने ये सब किया होगा। डर गए ना सब लोग, देखा मैंने कैसे तुम सबको डराया। मगर पहनते तुम छोटे बच्चों जैसी हरकत कैसे करने लगी? इतनी बड़ी हो गई लेकिन दिमाग नहीं है क्या? तू क्यों खड़ा है, कुछ बोलना। पागल हुई हो क्या? हम कितना डर गए थे। चलो पहले हम बाहर चलते हैं। अच्छा तुम गाना कब से गाना सीख रही हो? गाना मैं? अरे मैं सीरियसली पूछ रहा हूं। गा रही थी, ये तुम्हारी आवाज थी ना? कार्तिक, कार्तिक, क्या है? तुमने मेरा फोन देखा क्या? उसके अलावा सब देखा है मैंने। कार्तिक ऊपर के रूम में होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी कहीं नहीं जाऊंगा, चुपचाप सोने दो, बाद में देखूंगा। गर्मा गर्म पूरी बना कर देती हूँ, आओगे ना? पूरी दोगी? अभी आता हूँ। चुपचाप सो जाओ। चुपचाप सो जाओ ना, बहुत नींद आ रही है।
कार्तिक, कार्तिक, अरे शांति से सोने दो, जगा क्यों रही हो? मैं नहीं कार्तिक, भूत। ठीक है, उसके बारे में सुबह बात करेंगे। कार्तिक, मुझसे चिपक कर सोने के लिए कितना ड्रामा कर रही है। चोरनी चोरनी, अरे खोदना बंद करो। ए, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, सुन रहे हो या नहीं? किससे पूछकर तुम इतने सारे पौधे लगा रहे हो? तुम गूंगे हो क्या? काय को चिल्ला रही हो मैडम? मैंने सांप से पहले ही बात किया था, वो देखो वहाँ पर खड़े होकर यहीं देख रहे हैं। सर यहाँ आइए, मैंने आपसे बात की थी ना, आपके लिए गड्ढा मैं ही खोदूंगा। बेकार में इतना गड्ढा खोदवा दिए हो, आप अपना काम करो और मुझे मेरा काम करने दो। इतने सारे गड्ढे, इसे कुछ दिखा क्या? तुम कहो तो कुछ दिखा दूं। आप हमेशा मजाक के मूड में रहती हो, हमने 3-4 कहे थे, इसने 5-7 गड्ढे खोद दिए, इसे कुछ दिखा के नहीं पूछता हूँ, तुम मटकना बंद करो। भाई साहब, खोदते समय आपको कुछ मिला क्या? यहाँ सोना मिलेगा? इसके नीचे कोई राजा का महल है क्या? नसीब अच्छा है कोई लाश वाश नहीं निकल रही है। मजाक कर रहा हूँ आपसे, एक पुरानी खिड़की मिली है वो रखी है, आपको चाहिए तो बोलो, नहीं तो मैं बेचकर पैसे ले लूंगा। मैडम मेरा काम खत्म हो गया है, अब मेरे पैसे दे दो। आप पाउंड्स पाउडर लगाती हो? ए, चल निकल। चलता हूँ सर। निकल ले, निकल ले। बदतमीज। ए रुको, हमारा सामान क्यों लेके जा रहे हो? हमारा सामान वापस करो। क्या रे, तेरा सड़ा हुआ सामान, ये पकड़। क्या कर रहे हो बस? मुंह बंद करो और खोदने में हेल्प करो। मुंह बंद करके खोदने के लिए बोल रहे हो, ऐसी क्या गलती की है बस? ये सब छोड़ और पहले अपने पैंट के जिप बंद कर ले। जिप बंद नहीं करता, मुंह कहाँ से बंद करेगा। थैंक यू थैंक यू। ये क्या बस, इतनी खुदाई की फिर भी एक बॉडी भी नहीं मिली। हम लोगों ने इतनी सारी बॉडी दफनाई थी उस समय, लेकिन यहाँ पर तो एक भी नहीं दिख रही है आज। मुझे लगता है कि मैटर कुछ ना कुछ सीरियस है। होगा, बहुत सीरियस होगा। चलो अब बाहर आओ। क्यों सर, हम लोगों से कौन सी गलती हो गई सर? ये बताओ, इतने सारे गड्ढे क्यों खोद कर रखे हैं? वो सर, सर वो पौधे लगाने के लिए सर। पौधे लगाने के लिए? हाँ सर। ए, तू बड़ा सेक्सचिल्ली का पोता है क्या? ए, किसके लिए कब्र खोद रहा है? चलूंगा। सर प्रकृति से जो प्यार करता है उसको पौधे लगाने चाहिए सर। चल ना, तुझसे पुलिस स्टेशन में पौधे लगवाता हूँ। चल, पौधे लगाएगा यहाँ पर ये। सर सर चल, मुझे छोड़िए सर। अरे बता सर, छोड़िए, अंडरवियर पहना है ना? पहना सर, लेकिन क्योंकि तुझे पुलिस स्टेशन ले जाकर हम तेरे वहाँ पे सारे कपड़े उतारने वाले हैं, इसलिए। क्यों, बताइए तो। चल ए कार्तिक, गाड़ी जा रहा है उसे। अरे सर छोड़िए, कार्तिक चलो, गाड़ी बना। सर गाड़ी रोकिए। सर नमस्ते। अरे इन्हें यहाँ क्यों मार रहे हो, अंदर ले जाकर कुटाई करो, जाओ। सर हाँ बोलो, क्या बात है? सर अरे रुको भाई, अब तुम बोलो। सर अरे क्या कर रहा है तू, ये ले जा, मजे कर मजे। अच्छा देख, मैं दूसरे कैदियों के जैसा तेरे साथ व्यवहार नहीं करूंगा। ठीक है सर। तू अपना आदमी है ना? थैंक यू सर। इसलिए सच बता दे। सर कौन सा सच, मुझे कुछ नहीं पता सर। क्या कुछ नहीं पता? नहीं पता सर, सच बोल रहा हूँ सर। हे चल बोल। सर वो कैसे बताऊ मैं, सर वो एक्चुअली। अरे क्या एक्चुअली, एक दुगण खींच के। वो सर वो सर एक्चुअली हमारे होटल, हमारे। अरे आगे भी बोल। सर हमारे होटल में बहुत सारे कस्टमर्स आए थे और वो सर एक एक करके। इस शिवप्पा मनसुख भाई को तू फिल्म का प्रोड्यूसर समझकर भूत की कहानी सुना रहा है क्या? नहीं सर। hey, सर तू खजाना खोजने के लिए गड्ढा खोद रहा था ना, कहाँ है खजाना? नहीं सर, खजाना मैं नहीं जानता, खजाना सुबैया भी नहीं जानता सर, मैं तो लाश दफनाने के लिए गड्ढा खोद रहा था सर। तेरा मतलब है कि उन गड्ढों में तूने लाशें दफनाई है? हाँ सर, सुबह उठकर देखा तो लाशें वहाँ नहीं थी, सब गायब हो गई थी सर। अच्छा एक बात बता, तूने अभी जो कहानी सुनाई उसमें जो स्कूल टीचर और बच्चे थे उन लोगों का क्या हुआ? सर उन लोगों को कुछ नहीं हुआ, वही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही है सर। समझ में कैसे आएंगी? वो सब मेरे कस्टमर्स हैं।
Hey, तू फालतू बातें छोड़कर असली बात पर आ। अच्छा देख, तुझे गड्ढा खोदते वक्त जो खजाना मिला है वो खजाना कहाँ है बस मुझे ये बता। सर, मैं तो आपको भूत की स्टोरी सुना रहा हूँ और आप तो ऐसे सुन रहे जैसे राम से बदर्स की तरह उसे बनाने वाले हैं। सर, तूने तेरा सर फोड़ दूंगा। Hey, उस जमीन की फाइल लेकर आ। ला दो। अच्छा तो तेरे पहले कस्टमर पति पत्नी थे। हाँ सर। तुम उनका नाम बताओ। रामस्वामी और उनकी पत्नी रत्ना सर। वो यही लोग थे ना। देखो हाँ सर। और ये चाइनीज एक साउथ इंडियन फैमिली के साथ आए थे क्या? सर बिल्कुल सही सर, यही कस्टमर थे सर, यही लोग आए थे सर। ये लोग थे मगर इन सारे लोगों को मरे हुए बहुत साल हो गए। जिन कस्टमर्स के बारे में तूने बोला कि वो मर गए, वो लोग एक जमाने में कूल कूल रिसोर्ट के ऑनर हुआ करते थे। मतलब ये लोग कूल कूल रिसोर्ट के ऑनर हुआ करते थे कभी, और ये सभी के सभी मर चुके हैं। तूने इसे किसी पेपर में पढ़ा होगा और यहाँ आकर मुझे भूतों की कहानी सुना रहा है। दूंगा ये। अरे सर, सर चुप रहिए सर, मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ सर। अरे वो तो तुझे होना ही था। 87 नंबर के मर्डर केस की फाइल ढूंढने के लिए बोला था ना, जा ढूंढ कर ला। ठीक है सर। देख भाई, उस खजाने को तुम मेरे हवाले कर दे, मैं बेचकर पैसे तुझे दूंगा। तू बस उसका 20% मुझे देना, मैं उसी से खुश हो जाऊंगा। ठीक है। अब जा 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 जा। ठीक है, फिर आना है सर। आना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं आ जाऊंगा। ए शरद, अब बंदर के जैसे खाना छोड़ो और पुलिस स्टेशन जाकर पता करो कि क्या हो रहा है वहाँ। पर क्यों, मैं वहाँ जाके फंस जाऊँ क्या? वो वहाँ जाके पता नहीं क्या क्या बकवास कर डाला होगा। मुझे पहले ही बहुत टेंशन हो रही है। मेरे कानून के नॉलेज के हिसाब से उसे पहले ही वहाँ सजा मिल गई होगी। हमें यहाँ कैसे बचना है उसके बारे में सोचना है बस। हम दोनों को? हाँ, दोनों के अकाउंट में एक एक मर्डर है ना। जब तक पुलिस यहाँ पहुँचे हम दोनों को निकल जाना चाहिए। कार्तिक को छोड़कर? इतना ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। क्या बोलूं तुम्हें, कार्तिक कार्तिक करती रहोगे तो जेल जाना कंफर्म है समझो। तुम्हारे इस घटिया प्लान में मुझे फंसने का कोई शौक नहीं है। मैं उस बेवकूफ के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही। उसकी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को छोड़कर जाने के बारे में मैं सोच भी कैसे सकती हूँ। बेवफा, जब देखो कार्तिक कार्तिक प्यार से बोलती रहती है और मेरे ही पीठ पर चाकू। ओ, अब समझ में आया तुम्हारा प्लान। डॉक्यूमेंट्स दे करके ब्याज पे पैसा दे दे ऐसे एक सेठ को मैं अच्छे से जानता हूँ। वो पैसा दोनों में 50-50 बटेगा, क्या कहती है? क्या कहा? तुम दोनों 50-50 लोगे और मेरा क्या? तुम दोनों हत्यारे हो और ये बात भूलो मत, मेरा मुंह बंद करवाना है तो तुम्हें मुझे ज्यादा शेयर देना पड़ेगा। What? What do you think of yourself? Are you trying to threaten me? हाँ, तो तू क्या कर लेगी? हाँ? Shut up! I can't give you a share. Don't even think. नहीं रोटी, बस सोच के किसी मैं तो लेकर अगर तुम्हें share ले लेना, तुम्हें बताएंगे मैं क्या कर सकती हूँ। बाद में सोचेंगे ना। उस property में तुम्हारा कोई भी, ए कार्तिक, उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया। तुम्हारे लिए छोड़ा है। भाग क्या है? पुलिस वालों के चंगुल से कैसे बच गया? उन्होंने कुछ किया नहीं आपके साथ? अबे पापी कमीने, उन्होंने छोड़ दिया तो तू मेरी जान लेगा? सौम्या, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। मैंने तुम्हें अपने दिल का फूल समझा था लेकिन तुम तो नागिन निकली। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मुझ पर शक कर रहे हो? हाँ? जब तुम ऐसे चिपकती हो तो डाउट अपने आप चला जाता है। अगर तुम अंदर चले गए तो तुम्हें मेरे अलावा कौन छुड़ाएगा? कौन? तुम्हारे बेल का पैसा कौन अरेंज करेगा? मैं? अगर कुछ समझ में आया तुम्हें डांट डांट कर बताती हूँ तो सब समझ जाता हूँ। नारियल को ऐसे बंदर की तरह क्यों खा रहा है? बॉस अभी खाएंगे क्या? तेरी तो रजिस्टर बुक कहाँ है? रिसेप्शन में है। क्यों बॉस? रिसेप्शन में। बॉस बॉस बॉस, आप ऐसे क्यों रजिस्टर बुक मांग रहे हो? मैंने कोई भी गलत हिसाब नहीं लिखा है बॉस, सच बोलो। कुछ नहीं सुनूंगा, छोड़ो मुझे। अरे बॉस मेरी बात पे यकीन तो करो, मैं आपको सच बताता हूं। मैं नहीं जानता, मुझे देखने दो। एक मिनट तो रुको। अबे पागल, इंस्पेक्टर ने कहा कि जो भी कस्टमर्स यहाँ आए थे वो एक जमाने में इस होटल के ऑनर थे, उन्होंने रजिस्टर पे जो एड्रेस लिखा है वो देखना है। ओके ओके। मिस्टर रामास्वामी जंगल का रास्ता काकवली पालिया अमट्टी विराज पेड़ कोकड़ू। मिस्टर रामाचार्य जंगल का रास्ता काकवली पालिया अमारी विराज पेड़ कोकड़ू। मिस्टर पीटर जंगल का रास्ता काकवली पालिया अमारी विराज पेड़ कोकड़ू। बस सभी लोग एक ही जगह में आसानी से पकड़ सकते हैं। क्या बे? अरे सबका एक ही एड्रेस है ना, इसी में दिमाग नहीं है क्या? उन लोगों ने जो एड्रेस दिया है ना वो एड्रेस यहीं का है पागल। वो इस प्रॉपर्टी के ऑनर थे, सालों पहले सब मर चुके हैं। कार्तिक, कुछ तो चल रहा है यहाँ पर। वो इंस्पेक्टर कह रहा था वो सब के सब इसी प्रॉपर्टी के ऑनर थे और उन्हें मरे आज सालों गुजर चुके हैं। तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि सभी ओनर्स के साथ कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है।
फिलहाल इस होटल के तुम ओनर हो। मतलब अगला नंबर मेरा है। कार्तिक हाँ? मैं तुम्हें बार बार बोल रही हूँ कि इस घर में भूत है, तुम लोग मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते? इस प्रॉपर्टी में कुछ तो गड़बड़ है। नहीं सौम्या, ये प्रॉपर्टी बहुत महंगी है और ये प्रॉपर्टी अब मेरे नाम से है। कोई ना कोई इसके ऊपर कब्जा करना चाहता है। ऐसा क्या बॉस? ठीक है, देखता हूँ कैसे कब्जा करता है। फ्राइड राइस खाने के लिए मर रहा था ये। चिल्ला रही हो, क्या हुआ है? बोलो बोलो बोलो, क्या बात है? आप इतना डर क्यों रही है, बताइए ना। शरद मैं लैंप लेता हूँ। क्या हुआ बॉस? ऐसा लग रहा है जैसे आपने किसी भूत को देख लिया है। क्या हुआ बॉस? ऐसे सीटी क्यों बजा रहे हो? क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा बॉस। अबे तुझे समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या? अभी भी समझ में नहीं आ रहा बॉस। अरे ये क्या गंदे गंदे भूतों की तरह इशारे कर रहे हो? तुमने कहा था लेकिन मैंने बात नहीं मानी तुम्हारी। परदेसी, इस पुराने चावल को देख के आप लोग बच्चों की तरह। बॉस ऊपर देखो, आपके कंधे में कोई बैठा हुआ है। भूत से ज्यादा तुम लोग मुझे डरा रहे हो। बॉस इस बार भूत आपके कंधे में बैठा था, नेक्स्ट टाइम। चुप हो जाओ, ऐसे टाइम वेस्ट करने की बजाय अगर किसी तांत्रिक को जानते हो तो जल्दी से उसे ले आओ। आज रात को इस समय भूत भगाने वाला तांत्रिक कहां से मिलेगा? बॉस इस काम के लिए अपने ब्रदर को बुलाना ही बेटर है। तुम्हारा भाई भूत भगाने वाला है क्या? मेरा नहीं, आपका भाई। मेरा भाई? अरे वो हम सबका ब्रदर है, अंधा स्वामी बाबा अली जी, पावरफुल मैन। चाहे भूत हो या भगवान, सभी उनका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है। इन सब के लिए वही बेस्ट है, यंत्र मंत्र तंत्र सभी जानते हैं वो। क्या रहता है वो? Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद करो, ध्यान में चले जाओ। अब सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है तुम्हें? अब सुनाई देगा। भाई वो इंगेज है। ओम शांति। थैंक यू। भक्त लोग और प्यारे चेला लोग,
आज तक आप लोगों ने मेरे अंदर की फिलॉसफी देखी, आज से आप लोग प्रैक्टिकल देखेंगे। आपके सर पर हाथ रखकर बोलूंगा कि आपके दिल में क्या है। रेडी रानी? स्वामी। स्वामी अभी नहीं, रात में। मेरी आंखों पे पट्टी बांधो। संभल के स्वामी। ओ, बाल तो भालू की तरह हैं बिल्कुल। वेरी गुड। अरे अरे, ये क्या ओरिजिनल ये है? हाँ हाँ ये है। कीप इट विद यू। 25 साल पहले अपने जिस छोटे भाई से तुम बिछड़ गए थे, आज उससे मिलने वाले हो, करेक्ट? अरे स्वामी, आप महान हैं, अंतर्ज्ञानी हैं आप स्वामी, अंतर्ज्ञानी हैं। अरे स्वामी, ये क्या कर रहे हो? मेरी चेली के साथ आप मुझे भी दबा दे रहे हो। तुम छोड़ो मुझे। चलिए स्वामी, नेक्स्ट। ये तो एक नंबर का पॉकेट मार है, इसकी जगह यहाँ नहीं है, बाहर है। बाहर जाओ। शांति शांति, ठीक तो है ना स्वामी? तुमने नहीं कहा, पब्लिक को कहा। वो अपने पापों से मर जाएगा, मैंने उसे दिल से माफ कर दिया है। आप भी उसे माफ कर दीजिए प्लीज। अब आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है, मैं जाकर आराम करूंगा। आप लोग भी जाइए प्लीज, जाइए। आइए स्वामी, जाइए जाइए। स्वामी स्वामी, भाई भाई, मैं तो इन लोगों को डुप्लीकेट समझ रहा था यार। तूने मुझे बहुत अच्छे आदमी से मिलवाया है, चलो इन्हें अपनी प्रॉब्लम बता देते हैं। okay, आजा आजा जल्दी आजा, जल्दी जल्दी। हाँ, लड़कियों को देखकर वो थोड़ा भटक जाते हैं, तुम लोग यहीं बैठो, हम लोग चलते हैं। आजा अरे स्वामी, आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? इतनी जोर से मारा उस कमीने ने, अभी तुम्हारा हाथ लगने से सारा दर्द चला गया। हेलो हेलो भाई, हु आर यू? कौन से चैनल से आए हो तुम लोग? स्टिंग ऑपरेशन करने आए हो? जाओ, जाओ, जाओ। भाई स्टिंग ऑपरेशन के लिए लड़कियों को भेजा जाता है, मर्दों को नहीं भेजा जाता है। भाई हम लोग तो आपके भक्त हैं, जो अपनी समस्या लेकर आपके सामने आए हैं, हमें अपनी शरण में ले लीजिए भाई। मेरे विजिटिंग आवर खत्म हो गए, अब जाओ, जो भी बात करनी है कल सत्संग में करेंगे, अब जाओ। सर 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 सर, प्लीज 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 भाई, बहुत सीरियस मैटर है, भूत का मैटर है। मैं भी सीरियसली बोल रहा हूँ, माय टॉकिंग आवर इज ओवर, आई सेड गेट आउट। 2 मिनट स्वामी जी। बॉस है, ये उठेगा या नहीं? नहीं उठेगा तो पानी डाल के उठाएंगे इसे। हाय गर्ल्स। कौन हो तुम लोग और मुझे कहाँ ले आए हो? ये तो उठ गया, बात भी कर रहा है, अद्भुत नजारा है। आपको तो सब पता ही होगा ब्रदर, बता 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 बता, क्या बात है? बोलो 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 ना, बोलो ना। रानी कौन है लगता है 6 महीने के अंदर पैदा हुआ था? इसने क्या बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आया। ये कह रहा है कि तुम 6 महीने में पैदा हुए। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, मैं 6 महीने में पैदा हुआ था। आप मेरा हाथ देखे भविष्य बताइए ना। एक काम करो, इस हाथ को मेरे अंदर घुसा दो, घुसा दो। अकल का दुश्मन, चिकन फ्राइड राइस खाकर आए हो क्या यहाँ पर? उसके अलावा कुछ और बताइए। चलो हाथ दिखाओ अपना। तोड़ दुश्मन की नली। ओ माय गॉड, हाथ क्यों कांप रहे तुम्हारे? शादी नहीं हुई है? स्टिल बैचलर? करेक्ट, मेरी शादी नहीं हुई है, मेरी शादी नहीं हुई है स्वामी जी। इसके लिए मुझे यहाँ लेकर आए हो? बड़बड़ा बड़बड़ बड़बड़ा बल्ब जला बुझा, बल्ब को बुझा दूंगा। आपकी पावर के बारे में हम जानते हैं, आपकी पावर की यहाँ जरूरत है स्वामी जी। मेरी पावर? हाँ, रात को आश्रम में आपने बिना देखे सब कुछ बता दिया था ना, उसी पावर की बात कर रहा हूँ। अरे ओ कुफली, इसके अंदर कोई मंत्र वंत्र नहीं है, सब मेरे लोगों का काम है, पूरा सेटअप किया हुआ है, जूनियर आर्टिस्ट, डेली पेमेंट। तो रात को जेब कतरे ने जिसने हमारी जेब काटी थी उसके बारे में आपको कैसे पता? अरे उसे पॉकेट मारने के लिए मैंने ही तो कहा था। लेडीज एक मिनट, जरा करीब आओ मेरे। पेमेंट मैटर में थोड़ी गड़बड़ी हुई और उस बात को पब्लिक में कुछ ज्यादा ही बोल दिया, तो उन्होंने बड़े जोर से यहाँ पर मारा। अच्छा, तो आपको मतलब भगाने नहीं आता है क्या स्वामी जी? मेरे पास जो 2 लेडी असिस्टेंट है उन्हें तो मैं भगा नहीं पाता, एक भूत को कहाँ से भगा पाऊंगा? ओ भाई लोग, अगर जाने दोगे तो मैं यहाँ से चलता हूँ। ये कौन बीच में आ गए हैं? कौन हो भाई तुम? और इतने बाल क्यों बढ़ाए हो? कटिंग के पैसे नहीं है क्या? तुम्हें जो भूत बताया था ना, ये वही है, एक मारूंगा ना तो ये भाग जाएगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तूने मेरे भाई के ऊपर हाथ उठाया? कौन है तू, रोज चिकन फ्राइड राइस चुराने आता है? अरे जब भूख लगेगी तो खाना खाऊंगा ना। अरे भूख लगती है तो बाहर जाके खाया करना। इस जगह को छोड़कर मैं बाहर कहीं नहीं जा पाऊंगा और जा भी नहीं सकता। ए, तेरी इतनी हिम्मत, ये होटल के ऑनर है, ये बोलेंगे तो तुझे जाना ही पड़ेगा। मैं अकेला ही नहीं, तुम सारे लोग भी
यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। क्या बोल रहा है, क्यों नहीं जा पाएंगे, हमें धमकी देता है क्या तू है? अगर जिंदा रहोगे तो यहाँ से जा पाओगे ना। वो काले चेहरे वाली राक्षसी तुम सबको जान से मार देगी। काली चेहरे वाली राक्षसी को मैं मारूंगा, कौन है वो पता, पता? वो खुद ही तुम्हें ढूंढते हुए आ जाएगी, फिर उसी से पूछना। ए, अगर तूने नहीं बताया तो मैं तेरी जान यहीं ले लूंगा, यहीं। पता कौन है वो, कौन है वो, कौन है? बताता हूँ, बताता हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह जवान था और एक दिन वो किसी अप्सरा की तरह खूबसूरत थी। उसके चेहरे में एक अजीब सा आकर्षण था। मैं उसे मिलने के लिए पहुंचा। वो खिड़की पे बैठी थी, आह जैसे कोई सुंदर सी कविता हो। एक ही रात में मैं दो दो पूनम के चांद देख रहा था। अरे संभल कर, जाओ जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ, भाग जाओ। हे कौन है, कौन है वहाँ? अरे कौन है? कौन हो आप और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मंजू हूँ, मैं आपको ही देखने आया हूँ। आपका चेहरा बिल्कुल चांद के जैसे है, आपने तो मेरा दिल ही चुरा लिया है। ऐसी मीठी मीठी बातें आपने आज तक और कितनी लड़कियों से कही हैं? अरे नहीं, आपके अलावा मैंने ये सब किसी लड़की से आज तक नहीं कहा। आपको देखते ही मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा, एक अजीब सी हिम्मत आ गई है मुझ में। आपने हिम्मत दिखाई कहाँ है, सिर्फ गाना ही तो गाया है। चले जाओ चले जाओ। मैं ऊपर आता हूँ। संभल कर। अरे बाप रे, देखिए आज आपके लिए मैं खिड़की से भी कूद कर आया हूँ। ऐसा काम मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं किया। अगर मुझे बाद में भी देखना हो तो इसी तरह चोर के जैसे आना होगा। ऐसा क्या, बिल्कुल खुशी खुशी आऊंगा। वैसे भी आपसे मिलने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा सुनो, आप मुझसे मिलने के लिए इस तरह रोज खिड़की पर आएंगी ना? क्या हुआ आपको, बोलिए ना, मैंने आपसे कुछ गलत कहा है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं कहा। नहीं नहीं, आप कुछ तो छुपा रही हैं मुझसे, सच बोलिए। जब तक सच नहीं बोलेंगी मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। देखिए मैं घर छोड़कर बाहर कहीं नहीं जा सकती। ऐसा क्यों? मेरे भैया भाभी ने मुझे घर के अंदर बंदी बना कर रखा है। कौन है वो, लिंगाना और उसकी बीवी? हाँ। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? इन सब की वजह ये जायदाद है, ये बंगला मेरे नाम पर है, इसलिए मुझे यहाँ बंदी बना कर रखा है। और इस काम के लिए उन्होंने एक तांत्रिक की मदद ली है। उसने मुझे मंत्रों से बांध कर रखा है, वो देखो। ये सब क्या है? ये सब तंत्र मंत्र करके इन्होंने मेरा जीना दुश्वार कर रखा है। मैं कुछ भी कर लूं, मैं यहाँ से निकल ही नहीं सकती। ये सब किसने बांधा है? उसी ने किया है, उसी तांत्रिक ने ये सब किया है। मैं जिंदा नहीं बचूंगी। तुम डरो मत, मैं इसे निकालता हूँ। ये सब क्या बांध के रखा हुआ है, ये फालतू की चीजें हैं। इनको बोलने वाला कोई नहीं, इसीलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। मुझे समझ में आ गया है, इस जायदाद को लेने के लिए कोई नहीं आया, इसीलिए ये लोग इसे मुझे बेचने के लिए आए हैं। इसमें जरूर कोई धोखा है। मुझे उसी दिन इस लिंगना पर डाउट हो गया था। ही इज अ डेंजरस मैन। कौन है, कौन है वहाँ? नहीं, तुम डरो मत, तुम बिल्कुल मत डरो। क्या मुन्ना, ये लो बेटा, अब उस लड़की की बलि देने में कोई रुकावट नहीं आएगी। उसके बारे में सिर्फ हम ही जानते हैं, हमारे अलावा जो जानता था वो जिंदा नहीं बचा। ये लोग पागल हैं, तुम्हारी बलि देना चाह रहे हैं। तुम यहीं पर रुको, मैं जाकर गांव वालों को लेकर के यहाँ आता हूँ। नहीं नहीं मत जाओ। तुम जरा भी मत डरना, और एक बात ध्यान रखो, ये दरवाजा तुम बिल्कुल मत खोलना। नहीं, मैं जल्दी आता हूँ। आज पूर्णिमा है, आज रात 12 बजे बलि देनी ही होगी, नहीं तो तुम्हारे हाथ से सब निकल जाएगा। कहाँ हो, बाहर आओ। उधर दरवाजे से कोई आ रहा है, उन्हें वहीं रोकना होगा। अगर वो अंदर आ गए तो सब अनर्थ हो जाएगा, रोको उन्हें वहीं। क्या हो रहा है यहाँ पर, कौन हो तुम लोग? कौन है आप? मंजू, क्या चल रहा है यहाँ, और तू ये क्या कर रहा है? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तू नाटक मत कर, तेरी बहन ने सब बता दिया है।
मेरी बहन ने, उसे तूने देख लिया? अगर ऐसा है तो अब तू भी नहीं बचेगा, समझ ले तेरी कहानी खत्म। ए, ए, क्यों मारे हो इन्हें? कौन हो तुम लोग? तुम कहाँ हो? कहाँ चली गई है ये? ओम काली कमाई। क्या कर रहे हो ये? मुझे कुछ नहीं पता। क्या कर रहे हो ये? नहीं पता मुझे। वो कहाँ है? वो कहाँ है? छोड़ो, जाने दो मुझे। शिट। अरे इन लोगों ने कहीं, हे कौन है वहां? हे तुम यहां पर हो? मंजू मैं बहुत डर गई थी मंजू, तुम्हें देखते ही मेरी जान में जान आ गई। तुम डरो मत, तुम्हें अब कोई तकलीफ नहीं होगी, अब मैं आ गया हूँ ना। हे तुम इतने भीग क्यों गए हो? आओ मैं तुम्हारा सर पोंछती हूँ। तुम्हें दो पल के लिए नहीं देखा तो सच में मेरी जान ही चली गई थी। अब तो मैं आ गई हूँ ना। ए जरा धीरे से पहुँचो ना। अरे यहाँ तो लिंगाना का नाम लिखा है। अगर यहाँ पर लिंगाना का नाम लिखा है तो वो तुमको क्यों मारेगा? लिंगाना तुमको क्यों मारेगा? ये क्या समस्या है? यही तो समस्या है। ये मेरा घर है, मेरा, ये मेरा घर है। यहाँ जो भी आएगा नहीं बचेगा। नहीं, मैं यहाँ से बाहर जाने नहीं दूँगी। ए जफा, एक समोसा खाने के लिए सेठ की बीवी से शादी करने के लिए राजी हो गया? कैसी जिंदगी है तुम्हारी? कैसा इंसान है तू? हाँ? अरे स्वामी जी नीचे करिए, ज्यादा एक्सपोज हो गया। बाबा जी जब आपने उसे देखा तो वो पहले से भूत थी? जरा उसके बारे में विस्तार से बताएंगे? लोग अलग अलग बातें करते हैं लेकिन मैं बस इतना ही जानता हूँ बेटा, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की आत्माएं भटक रही हैं। मैंने उस दिन उस लड़की की मदद की थी, इसीलिए उसने मुझे जिंदा छोड़ दिया। उस काली भूतनी को इस घर में किसी का भी रहना पसंद नहीं है। जो भी रहने आता है वो भूतनी उसकी हत्या कर देती है। और अब इस घर को जिस आदमी ने खरीदा है वो उसको मार देगी, जान से मार देगी। Excuse me, मुझे एक डाउट है, वो भूत क्यों काले रंग में ही रहती है? उसके चेहरे का रंग ही काला है या उसे काला रंग पसंद है? उसका चेहरा काला नहीं है, काला रंग उसे पसंद है। मेरे पसंद का रंग काला नहीं है, मेरे पसंद का रंग हरा है, समझे? क्या हुआ सौम्या, तुम ऐसे क्यों बात करने लगी? मेरे पसंद का रंग हरा है। शरद कार्तिक, कार्तिक क्या हुआ? सौम्या तुम्हें कुछ नहीं हुआ? सौम्या हाथ धो ना कार्तिक, हाथ धो ना, मेरा सिर चकरा रहा है। नहीं हाथ देने में डर लग रहा है कार्तिक। सौम्या क्या हुआ था मुझे? तुम्हें क्या हुआ? मेरे ऊपर चढ़ करके तुम भूत की तरह कूद रही थी और काट भी लिया। ये देखो यहाँ भी काट लिया, यहाँ भी काट लिया। शरद बीच में आया तो तुमने ऐसा मारा कि वो वहां जाकर गिर गया। बस शरद, शरद तुम ठीक तो हो ना? शरद, शरद, शरद तुम ठीक तो हो ना? देखता हूँ हे भगवान क्या हो रहा है। Ha ha ha!
ये आवाज उधर से आ रही है, जरा जाकर देखो। नहीं, जाकर मैं नहीं जाऊंगी। तुम जाकर देखो ना प्लीज। हर बार तो मैं ही जाता हूँ। चलो चल। चादर ओढ़कर क्या कर रहे हैं स्वामी जी? ये जो है ना, बहुत डर रही थी बेचारी, तो मेरे पास जितनी थी मैंने दे दी हिम्मत। आपको यहाँ लेकर आया था भूत को भगाने के लिए। अरे कुछ कीजिए स्वामी जी, नहीं तो सबके सब मर जाएंगे। अरे स्वामी जी, आपके हाथ जोड़ता हूँ, कुछ करो प्लीज। मेरे अली बाबा ने मुझे एक मंत्र सिखाया है, इस बार भूत को आने दो, उसकी पुम पुहार। कोई नहीं है, अंदर आ जाओ। वाइफ हियर, आई एम देयर। ये इतना कांप क्यों रहा है तब से अभी तक? कार्तिक, बॉस आप वाइब्रेटिंग मोड में क्यों हो? कार्तिक क्या हुआ तुम्हें? और शिल्पा कहाँ है? ऊपर। वहाँ क्या देख रहे हो कार्तिक? ऊपर 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 क्या है रे? ए शरद, दरवाजा खोलो, मुझे यहाँ डर लग रहा है। शिल्पा, तुम ही बोल रही हो ना, तुम ठीक तो हो ना? नहीं, मैं शिल्पा ही हूँ, जल्दी दरवाजा खोलो प्लीज। दरवाजा मत खोलना, दरवाजा खोला तो पता नहीं और क्या फोड़ देगी। मैं ऐसे दरवाजा नहीं खोलूंगा, मैं तुम्हें पहचान सकूँ, ऐसा कोई प्रूफ दो। अब क्या प्रूफ दूँ? मतलब कोई ऐसी बात बोलो जो सिर्फ हम दोनों को ही पता हो। ए, ये कौन है? भूत से फ्लैशबैक मांग रहा है। हर दिन तुम कार्तिक के पॉकेट से पैसा चुराते थे, सौम्य को नहाने वक्त तुम दरवाजे के पीछे से चुप चुप कर देखते थे। अरे बस, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं जान गया कि मेरी बहन ही है। बस दरवाजा खोल दो ना। बंद तुम लोग करो और खोलूं मैं। अरे दरवाजा खोल ले, जाकर देख क्या रहा। बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। तुम्हारे पास पावर है, तुम ही जाके खोलो ना स्वामी जी। पावर है क्या? हाँ मैं जाता हूँ। तू जाना यार। अरे मैं जाऊंगा तो मेरा गला पकड़ लेगी, समझा करो स्वामी जी। कुमार भाई, ये जगह कितने की होगी? 10 करोड़ की होगी भाई। मुझे और मेरे बेटे को बर्बाद करके रख दिया। शादी करवाने के बहाने पैसे ठक कर लाया। तुम्हें ढूंढने के लिए मैंने जो खर्च किए हैं वो सब सेटल करने का एक ही रास्ता बचा है। ये घर तुम्हारे नाम पर है ना, इसे अब मेरे नाम पर कर दो। बिल्कुल राइट। जो लोग पैसे को ढूंढते हुए आते हैं ना, और जो लड़कियों को ढूंढते हुए आते हैं, वो मौत को ढूंढते हुए आते हैं। तुम बहुत लकी आदमी हो। अब वो शिवा भाई, चुपचाप डॉक्यूमेंट्स में साइन करो। ये बिल्कुल तैयार होकर आया है यहाँ पर। तू मुझे खुश रख, मैं ये सब किसी को नहीं बताऊंगा। धमकी दे रहा है मुझे, नहीं खुश रखूंगा, जा जाके बता दे। तो बता दे क्या कुसर पुसर चल रहा है। एक्सक्यूज मी, आपका नाम क्या है? शिवा भाई। देखिए मिस्टर शिवा भाई, ये घर मत लीजिए, ये भूत बंगला है। इस घर में भूत है। मेरे बेटे के साथ निकिता की शादी करवाने के बाद तुम्हें कही थी ना, अब ये नए भूत की कहानी कौन सी है? कौन है रही है? हमारा भाई है शिवा। हाँ भाई। क्यों, किसका भाई है तू? लेडीज के अलावा हर किसी का भाई हूँ। मुझे छोड़ दो भाई, इस भूत को भगाने के लिए ये मुझे यहाँ लेकर आया है। मुझे छोड़ दो भाई, मैं चला जाता हूँ यहाँ से, मैं जा रहा हूँ। अरे भाई, इसे मैं जानता हूँ, ये टीवी में भजन करता है। भाभी जी भी इसकी भजन सुन के प्रार्थना करती हैं। बोलती हैं कि बहुत अच्छा आदमी है, भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है इसका भाई, ऐसा कहती है। क्यों मार रहे हो मुझे तुम इतना?
बाप रे बाप, मैं भजन गा गा कर अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता रहा था और ये मुझे यहाँ पर भूत भगाने के लिए लेकर आ गया। देखिए आपका दिल बहुत बड़ा है, अगर आप मुझे छोड़ देंगे ना तो भजन गाता हुआ सारी लेडीज के साथ चला जाऊंगा। जाने दो इसे, जाने दो, जाने दो भाई, जाने दो भाई, जाने दो इसे। जरा अपना हाथ दिखाइए। तोड़ दुश्मन की नली। ओ माय गॉड, शादी हो चुकी है फिर भी हाथ कांप रहे हैं। वन सेकेंड, एक मिनट, ये लिया है, बिल्कुल काम बन जाएगा। नाइट में डेली टू। पापा मुझे भी जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। चल जा रहा। ये कौन है? कौन है रे ये? मैं इस होटल का मैनेजर हूँ। होटल चला रहे हो, तब तो जबरदस्त पैसे कमाए होंगे। ये जगह नहीं छोड़ना है बिल्कुल। हाँ भाई, झुको ला दे मुझे डॉक्यूमेंट्स दो। हाँ मेरे साथ धोखा करेगा ना, अब चल साइन कर इस पर, सिग्नेचर करो। शिवा भाई, अगर मैंने आपको सच नहीं बताया तो ये आपके साथ धोखा होगा। ये प्रॉपर्टी जिसके भी नाम पर होगी, इस घर का भूत उसे मार डालेगा। शिवा भाई, आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप ये प्रॉपर्टी बिल्कुल मत लीजिए। शिवा भाई, इसे लेना खतरे से खाली नहीं होगा। मैं आपका कर्ज कैसे भी करके चुका दूंगा। मुझे कहानी सुना रहे हो? नहीं शिवा भाई, चुपचाप साइन कर। वो शिवा भाई, सिग्नेचर करो। हाथ हटाना, खुद ही गड्ढे में कूद रहे हो तो मैं क्या करूं? बड़बड़ा रहा है। अरे कुछ नहीं शिवा भाई, साइन कर। करो साइन कर। हाँ ये लो, जगह खाली करो। चलो जाओ यहाँ से, चल निकलो, निकलो, चल चल चल, भागो यहाँ से। पापा जरा वो देखो तो, ये कौन है? साड़ी पहनकर खड़ी है, तुम्हें भागने के लिए अलग से बोलना पड़ेगा। जाओ यहाँ से। पापा रहने दो, पापा देखो ना कितनी अच्छी दिख रही है ये, रहने दो ना पापा, सच में पापा कितनी ब्यूटीफुल। अरे बेवकूफ कहीं का, प्यारी है, ठीक है ठीक है। क्या हम अंदर आ सकते हैं? बिंदास जाइए, आपका ही घर है, हमारा कोई संबंध नहीं है। बच गए भैया, बच गए, अब दोबारा इधर नजर उठाकर भी नहीं देखेंगे। बॉस, वो जो लास्ट में खड़ा है वो भूत कौन है बॉस? उस काली भूत राक्षसी ने पहले उनको ही मारा है। ए मत लो, मत लो ये घर, मत लो। मैंने आपको पहले ही बोला था शिवा भाई, लेकिन आपने नहीं सुनी। घर अपने नाम करके आप भी भूत बन गए ना आखिर, फूट गई ना किस्मत। जाइए जाइए, उस राक्षसी के साथ जाइए जाइए, उसी के साथ अपना संसार बसाइए, जाइए। बाप रे, वो कुत्ता भी रो रहा है इनको देख करके। चलो भाई निकलो यहाँ से। हे शरद, हाँ बॉस? इस बंगले पर कब्जा करने के लिए तुम और तुम्हारी बहन हमेशा स्कीम बना रहे थे ना, तो इसे तुम लोगों ने अपने नाम से क्यों नहीं कर लिया? नहीं बॉस, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। तुम पूरी जिंदगी यही रहोगे।